अहम न पितार्थकरणानिशिनिशयान नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दहिवाहोतार्थरचना ऋषयो योऽपि देवा जस्माद् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति जस्माद् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। सिसिल भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए अनर्थ रहते हुए कृष्ण भजन शुरू नहीं होते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहते हैं अनर्थ रहते हुए कृष्ण भजन शुरू नहीं होता। अनर्थ सबसे बड़ा चीज है। जब तक अनर्थ हृदय में रहे तब तक वास्तव हरि भजन शुरू नहीं होता। श्रील सरस्वती ठाकुर बताते हैं ये अनर्थ को हटाने के लिए आप अगर पूरा जिंदगी बाजी लगा दिया और कुछ हुआ नहीं तो उसमें फायदा क्या है। आप अगर अनर्थ को हटाने के लिए पूरा जिंदगी को खराब कर दिया पूरा बेकार नष्ट हो गया अनर्थ जो हुआ है अनर्थ जो है हुआ ही नहीं हरि भजन हुआ ही नहीं उसमें क्या फायदा। खूब जल्दी अनर्थ को हटाने के लिए जो प्रोसीजर है उस रास्ता पे चलना है। पहले भी बहुत बार बहुत सारे ये सब सिद्धांत चर्चा कर चुके हैं। अनर्थ हटाना बहुत बड़ा बात नहीं फिर भी बड़ा बात अनर्थ हटाना कोई बड़ा बात नहीं ऐसे हट जाए फिर भी इट्स ए ग्रेट प्रॉब्लम। फिर भी ये सबसे बड़ा बात बन के हमारा सामने रह गया समाधान हो नहीं रहा। ब्रह्मा जी का कहना है तत्व चर्चा हो नहीं पाया अच्छा से बड़ा दुखी हुआ मैं। आज वो सब ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का कृपा हो तो चर्चा हो पाएगा। पहला बात तो ये है अनंत काल से अनंत जीव ये संसार चक्र में भ्राम्यमान है कोई रोक टोक नहीं है घूम रहा है अनंत काल से इसका कोई विराम नहीं है इसका कोई जो बस स्टॉप बंद होना ये हो नहीं पा रहा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और पहले भी हम चर्चा कर चुके जो आत्मवस्तु है आत्मवस्तु का ऊपर अनात्मवस्तु का कोई प्रभाव होनी नहीं चाहिए। आत्मवस्तु जो है हमारा ये आत्मा शुद्ध आत्मा इसका ऊपर अनात्मवस्तु का जो प्रतीति रिफ्लेक्शन उसके द्वारा जो हम भयभीत हो जाते हैं ये संभव उचित नहीं। ये होने से हम एक दो एक उदाहरण दें उदाहरण के द्वारा ये बात को हम स्पष्ट करें फिर भी शास्त्रकारों ने ऐसा उदाहरण दिए जैसे आसमान में सूरज है और जलाशय में सूरज का जो बिंब ऊपर से उसका प्रतिबिंब अंदर गया है पूरा स्पष्ट दिखाई पड़ता वो सूरज है पूरा के पूरा दिखाई पड़ रहा है कि ये सूरज आसमान का सूरज इधर है लेकिन सूरज जलाशय में रिफ्लेक्टेड हुआ लेकिन जलाशय का पानी का द्वारा इसका कोई स्पर्श नहीं हुआ प्रभावित होना संभव नहीं लेकिन लगेगा ऐसा सूरज अंदर है
हवा आ रहा है, पानी ऐसा ऐसा कर रहा है, बोले ही सूर्य कांप रहा है। जैसा वृक्ष है, एक कोई जलाशय का निकट कोई वृक्ष है, खड़ा है, वो वृक्षों का रिफ्लेक्शन पानी में गया, और पानी का जल जब हिलना शुरू कर दिया तो लगेगा वृक्ष भी कांप रहा है, लगेगा। लेकिन वास्तविक वृक्षों का कोई नुकसान हुआ ही नहीं, कैसे हिलेगा, संभव नहीं। स्वप्ने अनर्थागमो यथा, सपनों में कभी कभी स्वप्न देखते हो, स्वप्नों में कई चीज आता है, डर दिखाता है, भयभीत हो जाते हो। सपने में जैसे आप बहुत कुछ देखते हो लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, है कोई, देखते हो सपने लेकिन जब सपना देख रहे हो इट सीम्स लगेगा कि एकदम 100% परफेक्ट, वही उसी बात को हम देख रहे हैं, हम आंखों का, हम देखा आंखों का सामने, ऐसा होते देखा। एक व्यक्ति गोद्रुम का उधर वो पेंट का काम करता है, सुबह में भयभीत होकर हमारे पास आया, ऐसा करते हम क्या हुआ, बोला महाराज आज सपने में देखा जो काली मैया मेरा सर को पूरा ऐसा तरवाल है उसको तो पूरा कट दिया, खाना देके हमारा गला कट गया, हा करके हम चिल्ला रहे। जब जागा तो देखा पोष काली जो है, पोष काली जानते हो, पोष काली का ढाक बज रहा है, पोष काली जो है, पोष काली, पोष काल में पूष महीना में काली पूजा होता है, पर जब जागा तो देखा सचमुच काली का जो ढाक बज रहा है। इसका कारण क्या है, हम उसका कारण उसको बताए, उसका लाइफ का साथ जोड़ा हुआ कारण है, वो तुम्हारा कोई मतलब का काम नहीं है। पुरुषोत्तम धाम पे श्री चैतन्य गौरी मठ, उसमें एक पुजारी वो रसोई करने वाला, वो पुजारी मंदिर का पुजारी, रसोई पुजारी माने रसोई करने वाला जो ठाकुर है उड़िया उड़ीसा का, वो आके वो 7 दिन तक बहुत रसोई फुसी किया, बहुत कष्ट किया, उसके बदले में उसको तनख्वाह मिला, कोई कापड़ दिया, कोई गमछा दिया, सारे दिया, पैसा पैसा इकट्ठा करके वो झोली पे बांध के रखा है, रात को सुबह में निकल जाएंगे गांव को चले जाएंगे। और रात को सोते समय रात को 12-1 बजे चिल्ला रहा है, लूट गया हमारा सब लूट गया, अब ले लिया हमको, डाकू डाली, सब चिल्ला रहा है, सब आदमी भाग, जो सोया था सब, क्या हुआ, तो जागा, बोला हमारा सब लूट गया, कहाँ लूट गया, देखा कुछ नहीं हुआ, हम सपने में ये सब देखा। लेकिन पक्का एकदम 100% लगेगा, वो एकदम पक्का चीज है। 2 ब्रह्मचारी सोया हुआ है, एक नीचे में चौकी का नीचे, एक चौकी का ऊपर, शिला भक्ति वाला तीर्थ गोस्वामी महाराज का ही आश्रित बोलता है वो लोग जो भी है। और सोते सोते एक आदमी सपने देख रहा है कि हमको भूत पकड़ा, और नीचे वाला जो सोया हुआ है वो सपने देख रहा है वो चोर पकड़ा, ऐसा दोनों दो सपने देख, एक एट ए टाइम, एक ही समय, बड़ा अद्भुत। जो लोग था उधर वो पागल हो गया हंसते हंसते, ऊपर वाले जो है चौकी पर सोया हुआ है वो देख रहा है कि हमको भूत पकड़ा, और नीचे वाला जो वो देख रहा है हम चोर पकड़ लिया, चोरी करने आया बस। वो ऊपर से चिल्ला रहा है, चौकी का ऊपर था, चौको पास से भूत भूत करके हमको पकड़ बोल के ऊपर से नीचे गिरा, किसका ऊपर गिरा, जो ब्रह्मचारी नीचे था, वो बोले चोर पकड़ा, बोले जोर से एकदम पकड़ के रखा है, दोनों चिल्ला रहा है भूत भूत, वो बोला चोर चोर। इस मैंने सपने में आश्चर्य चीज है, ये आप बोलोगे झूठा, ही झूठा नहीं, झूठा ही है लेकिन सच्चा जैसा लगेगा। ये सब जो दो एक कहानी हमने बोला है
ये इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये आपका अंदर में जो शुद्ध आत्मा है, वो आत्मा का अंदर जो दुनियादारी का जो जितना सारे कष्ट दुख जितना सारे मान अपमान उसका जो प्रतिफलन हो रहा है, एक्चुअली आत्मा को प्रभावित होना नहीं चाहिए। आत्मा प्रभावित क्यों हुआ है? आत्मा को प्रभावित होना नहीं चाहिए। वास्तविक पक्षे माया के कारण ही ये सब होते रहता है, दूसरा कुछ कारण है नहीं इसमें। जैसे ये श्लोकों के द्वारा वहां था, तरह तरह की योजना प्लान प्रोग्राम, अगले साल हम ये करेंगे, दूसरे साल हम ये करेंगे, थोड़ा यार पैसा इकट्ठा करेंगे, वो करेंगे फलाना, ऐसा करके प्लान एंड प्रोग्राम गोइंग ऑन, एक एक करके प्लान प्रोग्राम जा रहा है पूरा सुंदर। लेकिन उसका प्लान प्रोग्राम सच्चा होगा कि नहीं ये वो जानता है? लड़की को शादी दे, ठीक है, लड़की का शादी तैयार हो गया, बस मनचल हो गया, हो गया। दैवों के द्वारा संगठित घटना हो रहा है और सारे जीवात्मा सुखी, कभी कभी दुखी, कभी सुखी, ऐसा हो रहा है। और इस श्लोकों में विशेष विशेष करके ध्यान देने वाला बात तो ये है, जो जुष्मत प्रसंग विमुखा इहो संसरंती, बड़ा ध्यान देने वाला बात है। वास्तविक विचार ये है कि संसार जीवों का स्वरूप पे नहीं है। आप संसार कर रहे हो, आप संसार कर रहे हो ना, लेकिन जीवों का स्वरूप में संसार बोल के कुछ वस्तु है ही नहीं। आप कहां से संसार कर रहे, कहां से संसार आ गया? इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने बताया, युष्मत प्रसंग विमुखा इहो संसरंती। युष्मत मतलब हे ठाकुर जी, आपका जो प्रसंगों के प्रसंग विमुख है, जो आपका नाम, आपका धाम, आपका परिकार, आपका वैशिष्ट्य, आपका स्वरूप, आपका नाम, आपका धाम, कुछ सुनना नहीं चाहता। विमुखा जस्ट ऑपोजिट विमुखा, जो उस दिन एक श्लोक बताया था ना, हम एक दिन इस श्लोक इस श्लोक में बताया था, जितना सारे जीव है विमुख जीव, ये सब विमुख जीवों को उन्मुख करने के लिए भगवान का निजी जन साधु संतो जो है विचरण करते रहते हैं, विचरण करते रहे। ये स्वा चर्चा किया काल ना परशु चर्चा किया था। और ये जो जुस्मत प्रसंग विमुखा यह संसरंती, आपका प्रसंग विमुख जो है, आपका प्रसंग जो विमुख होता है उसका ही संसार लाभ होता है। संसार किसका होता है? संसार किसका होता है, किसका लिए संसार है? बोले जुस्मत प्रसंग विमुखा यह संसरंती, संसरंती संश्री, संश्री अर्थात गमन अर्थ है गमन, संश्री अर्थात गमन, इसमें गमन गम धातु है, गमन मीनिंग होता है गमन, संश्री संसार में गया, संसार के संसार में गया, उसका मतलब संसार में गया, संसार उसका नहीं, संसार में गया। संसार एक अद्भुत जगह है जो तुम्हारा नित्य जगह नहीं है, लेकिन यही लगेगा हमारा नित्य जगह, ये तुम घूमने के लिए आए हो। जैसे हम उस दिन बताया था पांथोशाला में जैसे बहुत सारे पथिक आते रहते हैं, कभी आते जाते रहते हैं ना, पांथोशाला में पथिक आते जाते हैं, वो तो उसका काम ही है, रास्ते में चलना शुरू कर दिया, क्लांत तो हो गया, हमारा रात हो गया, थोड़ा विश्राम ले ले। पांथोशाला में जैसे पथिक अपना विश्राम मनाते हैं, विश्राम कर ले थोड़ा, सुबह में चले जाएंगे, ऐसा जो विचार करके पांथोशाला में रहना शुरू कर दे, ये तुम्हारा जो संसार है ऐसा ही है। दो पथिकों का मिलन हुआ, उसके बाद थोड़े देर बाद वो चला गया उत्तर दिशा, वो चला गया दक्षिण दिशा,
हो गया छुट्टी। जितना समय तक मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, संबंध हुआ, प्रेम हुआ, उतना तक उतना समय तक, बाकी तो ये चला गया इधर और ये चला गया उधर, बस देखा नहीं हो। पांतोशाला में जैसे पथिकों का एक दूसरे का साथ जो संबंध बन जाता है थोड़ी देर के लिए, ये संसार को ऐसा ही सोचो, ये संसार को ऐसा ही सोच के रहना, नहीं तो रोना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। और बंधन दशा ऐसा हो, चक्कर काटते रहो, इस जन्म दूसरे जन्म दूसरे जन्म तीसरे जन्म चलते रहो, करोड़ों करोड़ों साल से अनंत काल से जीव सब चलते रहे। किसी का अंदर में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि ये जो मेरा शरीर है, ये जो आपका शरीर है, महाराज ये हमारा जन्म का पहले कहां था? ये क्वेश्चन आता है किसी का अंदर? किसका अंदर आता है बोलो, किसका अंदर आता है? सब माया में पड़ा हुआ है। किसका अंदर, किसी का अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है कि महाराज ये हमारा क्वेश्चन है, मैं जन्म का पहले कहां था, ये मेरा एक क्वेश्चन है, और ये शरीर छोड़ने के बाद भी कहां जाए, ये दोनों क्वेश्चन वाइटल क्वेश्चन। जब तक आपका हृदय में पैदा नहीं हो तो आपका आत्मजिज्ञासा रूपी जो विषय है उसका उन्मेष नहीं हो सकता, और जब तक आपका आत्मजिज्ञासा उन्मेष नहीं हो तब तक आपका मंगल का रास्ता माने मुक्ति का रास्ता खुलेगा नहीं। एक दूसरे का साथ लिंक हुआ हुआ लिंक है, बड़ा जबरदस्त लिंक। जिस्म प्रसंग विमुखा इह संसरंती, इस जगत में इस संसार में कौन आता है? बोले जुस्मत प्रसंग विमुखा यह संसरंती, आपका प्रसंग विमुख जो जीव है उसी का लिए संसार, और किसी का लिए संसार नहीं। मुक्त जो है परम मुक्त, मुक्त परम मुक्त जो है वो तो ठाकुर जी का सेवा में लगे रहते। सुबह में एक सुंदर श्लोक बताया था, उस श्लोक का हम चर्चा करेंगे बोला था लेकिन कर नहीं पाए, सायंकालीन अधिवेशन अभी है, वहां बताया था श्री सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवत में सुंदर बताया, एक बड़ा सुंदर उदाहरण देखे। बोले ये बद्ध जीव क्या अनंत काल बद्ध ही रह जाएगा? बोले ना ऐसा कोई बात नहीं, इसीलिए तो भागवत जी का, भागवत जी इस जगत में अवतीर्ण हुए किस लिए? भागवत जी महापुराण का इस जगत में अवतीर्ण होना, साधु संतों का इस जगत में अवतीर्ण होना, शास्त्र ग्रंथों सारे इसका अवतीर्ण होना, हरिनाम का इस जगत में आना, इसका महाप्रसाद इस जगत में आना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसका पीछे कारण क्या? ठाकुर जी महाप्रसाद को भेज दिया, ठाकुर जी हरिनाम को भेज दिया, ठाकुर जी सारे पुराण को भेज दिया, ठाकुर जी संत महात्मा गुरु जी को भेज दिया, ठाकुर जी भागवत जी महापुराण सारे, क्या कारण है? बोले मजेदार कारण है, जैसे कीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर बताया ना, कीर्तन में कीर्तन करते हो आनंद के साथ, कीर्तन करो कीर्तन में सर्वसिद्धि होगा। गुरु वैष्णव हमको बताया कि महाराज वो कीर्तन में जो गुरु वैष्णव जो कीर्तन लिखा है वो कीर्तन का अंदर बड़ा भारी पावर है। अब अपने मनमानी कुछ बोलते रहो कुछ फायदा नहीं, लेकिन वो महाजनों का कीर्तन को आप करते रहो उसमें बड़ा भारी पावर है। हमारा गुरुवर ने हमको सिखाया ये मत सोचो कि ये कीर्तन, कीर्तन तो है ही है, इसका अंदर इतना शक्ति है को कीर्तन को आप गाओगे उसका साथ साथ आपका अनुभव आएगा। अगर अपराध नहीं किया है तो, अगर अपराध नहीं किया है तो कीर्तन करने के साथ आपका सिद्धि होगा, कीर्तन ही आपको ले। श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज साक्षात उदाहरण है, गुरु जी बोलते थे कीर्तन करते करते सिद्ध हो, ऐसे तो सिद्ध महात्मा है नित्य योग से आए, आश्चर्यवाद है, कीर्तन करते करते सिद्ध, कीर्तन बंद नहीं होता, कभी माला पे कभी इधर कीर्तन करते आंखें मूंद कर, हर वक्त कीर्तन करते का सिद्ध। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सुंदर कीर्तन लिखा, आर केनो माया जाले परिते छो जीवो मिनो
नाही जानो बौद्ध है रवे तुमी चिरो दिनो। कितना सुंदर कहता है, आर केनो माया जाले परिते छो जीवो मिनो, नाही जानो बौद्ध है रवे तुमी चिरो दिनो। অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে, অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে, রহিলে বিকৃত ভাবে দ্বন্দ্ব যথা পরাধীন। আর কেন মায়া জালে পরিতেছ জীব মিন, নাহি জানো বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চির দিন। তুম মিন মতলব মাছ, মছলি, মিন কা মতলব মছলি, হে জীবরূপী মিন তুম এ যো ऐसा ऐसा कर रहे हो, आर केनो माया जाले, ए मीन तुम माया जाल में क्यों गिर रहे हो। जाल बिछाया ना मछुआरे ने, जाल बिछाया और मछली ऐसा 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 करते जाल में फंस, जाल में फंस गए। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी सुंदर कीर्तन, एक कीर्तन का साथ साथ आपका दिमाग घूम जाएगा, सारे संसार फीका पड़ जाए। अरे महाराज क्या संसार है, अजब की संसार है, जबकि आज है काल नहीं है, कैसा बात है, इसी को ही मैं सच्चा मन के बैठा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन का यह माने हैं, हे जीव रूपी मीन आप क्यों माया का जो ट्रैप है, माया का जो जाल है, इसमें क्यों फंस रहे हो, क्या कारण है, आप जानते नहीं हो तो इसमें फंस के रह जाओगे, बड़ा बुरी हालत हो जाएगा, मालूम नहीं है आपको, यू कैन नॉट रियलाइज इट। और ठाकुर जी इतना करुणामय है, जो करुणा करके ये जीव रूपी जो मीनों को, जीव रूपी जो मीन इनको ये जड़ संसार की जो समंदर है, ये समंदर से उठाने के लिए जो ठाकुर जी एक एक करके टोप लगाया, टोप जानते हो, ऐसा करके लगाया, चारा लगाया जैसे मछली ऊपर आ जाए। ठाकुर जी ने इच्छा करके गुरु वैष्णव को भेजा, महाप्रसाद को भेजा, शास्त्र ग्रंथों भागवत जी महापुराण आदि सब धाम को भेजा, नाम को भेजा, सब किस लिए, बल इसलिए भेजा कि ये एक बहाना इसको देकर जीव को एक लग गया, चारा लग गया, उठा ले ठाकुर जी ले जाएगा धाम को, समझा मेरा बात। एक एक करके जीवों को उठा के अपना धाम पे ले जाने का वो बहुत सुंदर रास्ता रचा है, लेकिन जीव भी इतना बदमाश है, इतना चालू है, बोले ठाकुर जी का वो जैसे उस दिन बताया था ना, हिसाब से कहने लगे, मास्टर जी आया, बड़े छोटे भाई चिल्ला रहे, बड़े भाई वो बेटा बदमाश मास्टर तेरे को हिसाब सिखा देगा, बिल्कुल मत बोल। अरे हिसाब सीखने से तेरा नुकसान है कि फायदा है, वो बेटा मास्टर बदमाश वो हिसाब सिखाने के लिए आया है, हिसाब नहीं सीख रहा है, उसे चालाकी करके बोला है गंगा का किनारे लेके गया, हिसाब तो नहीं सीखेगा, इतना बुद्धू है, बदमाश है। तो उसको बोले मास्टर जी, बोले देख तो उधर एक किश्ती चल रहा है ना, बोला है एक, उधर भी एक है, कितना हुआ रे, वो दो हुआ, उधर भी एक है, देख तीन, ऐसा करके गिनती सिखाना। और छोटे इतना बदमाश है, बिच्छू है, बोलना जरूर है, बड़े भाई भैया मत बोलना, वो बेटा मास्टर तेरे को हिसाब सिखाने के लिए आया। तो मेरे भी हंसी लग रहा है कि मैं क्या आप लोगों के हिसाब सिखाने आया हूं, आप मेरे को गाली दे रहा है, क्या हिसाब सीख के आपका गंडगोल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ये जिंदगी का जो हिसाब किताब हम सिखाने के लिए आए हैं वो तो ठाकुर जी का काम है, हम पर सौंप दिया तो हम करने के लिए आए, तो आप अगर सीख ही ले तो उसमें क्या नुकसान कुछ है, संसार करो ठीक है, संसार करो, हम तो भगा नहीं रहा आपको, लेकिन समझ के संसार करो, सोच समझ के संसार क्या चीज है, कैसे हम इसमें रहे,
कैसे पार हो जाए सब समझ के रहो तो उसमें कोई घाटा नहीं है। लेकिन वो समझाने जाए बोले बदमाश है वो साधु आया है सिखाने के लिए हमको, उसमें नहीं पढ़ना वो चालू है वो, ऐसा बोल रहे। ऐसा करके जुस्मत प्रसंग विमुखा यह संसरंती इत्यादि बात का चर्चा हुआ। और हमने एक श्लोक को उठाया था, इसका बात हम इसका चर्चा करेंगे, बड़ा गंभीर चर्चा, इसका बैकग्राउंड तो यह मौन अगर शांत ना हो जाए बूंद भी, एक सांखोजोग अशिष्ट तत्व तो लेके हम अगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना चर्चा फुर शांति नहीं, इतना गंभीर एक एक पॉइंट को। लेकिन संक्षेप में बताना है क्या करें। श्रील सनातन गोस्वामी का वो जो श्लोक है उसमें लिखा हुआ है जो कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दोही को विश्रुते तेसाम पांच भौतिक देह ओपी सच्चिदानंद रूप। कितना सुंदर श्लोक। श्रील सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का नाम सुने हैं ना, श्री सनातन गोस्वामी जी ने लिखे हैं जो कृष्ण भक्ति सुधा पानात, कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दोही को विस्तृते, अर्थात इसमें माने ये है कृष्ण भक्ति का रस सुधा जो है कीर्तन कथा ये सब कृष्ण भक्ति का जो रस है, रस को पान करते 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 क्या हुआ, संसार एकदम बिल्कुल फीका पड़ जाता। कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दोही को विस्तृते, देहो मतलब शरीर और दोही मतलब रिलेटेड टू योर बॉडी, शरीर जो है इसका मतलब देहो और दोहिक मतलब शरीर का साथ जो जुड़ा हुआ जितना सारे सामान है, जितना सारे आदमी है, जितना सारे सामान है, जितना सारे वस्तु है, इसको दोहिक बोला गया। जिसका साथ जन्म से ही आपका रिलेशन बन गया, जब भी ये रिलेशन पक्का रिलेशन नहीं कच्चा रिलेशन, लेकिन इसको ही आप पक्का मन के बैठे हुए हो, पक्का मन के बैठे ना, शरीर आया तो ये मेरा माता जी पिता। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक चीज कीर्तन में बताया, सकल जन्मे लोके पिता माता पाए, कीर्तन हमारा शास्त्रकार ने बताया कृष्णदास को भी के वृंदावन दास ठाकुर शायद भूल गए, हर जन्म में पिता माता मिलते रहते हैं, साधु गुरु ना ही मिले भजो इहाय बोला है ना कीर्तन में, साधु गुरु मिलता नहीं बड़ा मुश्किल से, और अगर मिल गया सच्चा मिल गया, झूठा ठग जच्छर मिला तो ठगी मिला तो उसमें हमारा क्या, अगर पक्का कोई मिला जो आपको उद्धार कर सके तो जीवन जिंदगी देकर उसका पीछा नहीं छोड़ना। इसका विषय में चैतन्य चैतन्य तो सुंदर बना, जब कभी ऐसा कृष्ण भक्ति रस सुधा पान कराने वाले पान करने वाले कोई अगर महात्मा मिला तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ऐसा चैतन्य चरितमृत में है सुंदर प्रवचन। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते, क्रियताम खरीद लो खरीद लो, पैसा है कुछ कृष्ण भक्ति भव कृष्ण भोग कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अभिलब्ध होती तत्र लौल्यमोपि मूल्य मेकलम जन्म कोटि सुकृतोर न लभते। कितना सुंदर समझा कुछ नहीं समझा, करोड़ों करोड़ों जन्म में आपको ये सुविधा नहीं मिला, इस जन्म में मिल गया और छोड़ोगे तो गया पूरा, एकदम पकड़ के रखना, कोई दोष नहीं दर्शन करना, कोई भी दोष नहीं दर्शन करना। माधवेंद्र परिवार जी विस्तारा में टट्टी पे सब हो रहा है, आप अगर ऐसा कैसा है महाराज, हो गया आपका छुट्टी। लेकिन ईश्वर परिवार कभी उसको प्राकृत नहीं समझा, ऐसा है वैष्णव का शयन है, जागना है, खाना है, भोजन सब, उसका पीछे कुछ नहीं दोष दर्शन कर, सब अप्राकृत, सब वो अगर चाहे तो उसको छोड़ भी सकता। ऐसे ही इसका ही उदाहरण देने के लिए सब उठाया, क्यों
क्यों ये सब उदाहरण दिया? बोले ये उदाहरण का पीछे आपका दिमाग खुल जाएगा, उसका आपका बुद्धि खुल जाएगा, आप होश में आ जाओगे, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका होश आ जाएगा। बड़ा जबरदस्त ये विचार है, सुंदर। तो पहले ही हम बताया कि देखो ये जो कृष्ण भक्ति सुधा पानाथ जो बोला, देहो दही को विस्ते, शरीर का साथ जोड़ा हुआ तमाम जो चीज है उसको विस्मरण हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति सुधा पान करते, कृष्ण भक्ति सुधा क्या क्या, पहले ही चैतन्य महाप्रभु श्लोक में चैतन्य चैतन्य में तो बताया, अगर कभी कृष्ण भक्ति रस भविता मूर्ति मिल गया, ऐसा कोई अंतकरण वाले कोई महात्मा मिल गया जिसका हृदय में भरपूर भक्ति का विज्ञान, भरपूर और कुछ नहीं जानता, इस व्यक्ति को एक इसको नहीं छोड़ना, क्रियतम खरीद लो, छोड़ दोगे अनमोल चीज, छोड़ दोगे तो जाएगा, बस गया। बल लेकिन किस पैसे से खरीदेगा, कितना पैसा लगे, भले इसमें दुनियादारी का जो पैसा वही नहीं लगता है। इसका उत्तर दिया है लौल्य मोपी मूल्य मूल्य में कलम, लौल्य मतलब लोभ, आपका अंदर में जो लोभ है, हम ठाकुर जी के पास जाएंगे, हम जानेंगे, हम भक्ति करेंगे, इसका जो लोभ है, लोभ मतलब क्यूरियोसिटी नहीं है, थोड़ा देख ले, ऐसा नहीं, लोभ मतलब लोभ, जबरदस्त लोभ, हमको वही चीज चाहिए, इतना लोभ आ गया, लोभ मतलब कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, थोड़ा देख लो महाराज आए क्या बोले, ऐसा नहीं, लोभ मतलब क्यूरियोसिटी नहीं, लोभ मतलब ट्रिमेंडस अट्रैक्शन, हमको वही चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, जैसे दुनिया का लड़का बोलता है बोल वही लड़की को हमको चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, तू मर मर के दिखा, बोला मर जाएंगे, उसी को चाहिए। बांग्ला में कहावत है, जार संगे मोजे मोन कीवा हारी कीवा डों, जिनका साथ जिसका मन टकरा जाता है, लग जाता है, वो चाहे डोम हो या भागी हो, भांगी हो, उसी को ही चाहिए, चलो जितना भी लड़ाई झगड़ा खून खराब हो जाए उसी को ही हमको चाहिए, पर उसी को मिलने के बाद उसका शांति होगा, लेकिन शांति तो आई नहीं, वो तो सोचा है उसका प्राप्ति होने के बाद शांति आ जाए, लेकिन आया शांति, आया नहीं, शांति उधर है ही नहीं। एक सुंदर कहानी है हमारा, वो जो राय रामानंद संगवा जो छोटे लाल जी वृंदावन में रहता है, हमारा बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत सारे घटना है, हम एक घटना को बताएं आपको समझ में आ जाए। तो छोटे लाल बोल के एक साधु है, आप देखोगे उसको घृणा करोगे, क्या ऐसा बेकार लगोगे, लेकिन हम दिल से जानता है वो पक्का साधु है। बड़े बड़े जो विद्वान लोग है मथुरा में हैं, सब उसको मान, जो ये पक्का साधु है, हम भी उसको पक्का साधु मान, जब भी वो प्रणाम मान तो करने जाए बोल नहीं से ज्ञानंजला सला क्या ऐसा बोलेगा, कुछ जानता ही नहीं है, एकदम मूर्ख, मतलब कुछ जानता नहीं, लेकिन हम अंतर से जानते हैं ये पक्का साधु है, ना तो इसका लोभ है, ना तो लालसा है, कुछ नहीं है। पिछले 40-45 साल से वो गुरुजी का सेम एक ही सेवा कर रहा है, अब बुढ़ा हो गया, उसका उम्र 65-70 साल हो, तो तबीयत भी ठीक नहीं, तो पिछले 50 साल से वो गुरुजी का वही एक सेवा कर रहा है मथुरा भूतेश्वर के सामने। उसका गुरुजी भी हमको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अब वो जो है उसका एक कहानी है, वो बताया था मेरे को, सुनने इतना आनंद आया मेरे को, बोले महाराज हम घर में था, वो तो यूपी का आदमी है, वो यूपी में पहले जमाने में जल्दी शादी हुआ करता था, वो 8 साल 10 साल बच्चा बच्चा सब शादी कर, शादी का मीनिंग ही समझता नहीं, शादी कर दिया, और शादी कर दिया, उसका उम्र शायद 10 साल था और बीबी का 7-8 साल होगा, और उसका 10-12 साल होगा, और शादी का तो समझा नहीं कि शादी का माने क्या है, लेकिन दोस्ती हो गया था, ये बीबी है, दोस्ती हो गया था, बहुत सुंदर बहुत प्यार। अचानक बीबी का तबीयत खराब हो डेथ हो गया, इतना प्यार हो गया था बीदी बीबी का साथ जो वो उसको रहा नहीं गया, वो मैड हो गया, पागल हो गया, पूरा ब्रेन क्रैक हो गया, पागल का माफी चलते रहे, इधर उधर बिखरते हुए चलते चलते ठाकुर जी का क्या लीला है कोई जानता, ब्रेन काम नहीं करना,
पागल का मैं भी चल रहा है, चलते चलते किस ट्रेन में चढ़ गया, अचानक आके उधर उतर गया। लोगों को बोला ये क्या है, बोले ये मथुरा है, मथुरा है, ठीक है। मथुरा में चलते चलते घूमते घूमते खाना पीना नहीं, पानी नहीं है, वो भूखे प्यासे कष्ट करते, भूतेश्वर बाबा जो है, महादेव जो है, उसका सामने एक बगीचे है, बगीचे में एक महात्मा नाम कर रहा था। उसका नियम था सुबह से बैठे 4 बजे से वो नाम करके, पूरा नाम करके उठे तभी पानी पिए, इतना नियम था जबरदस्त। वो नाम कर रहा है, नाम करते करते एक देखे एक पागल जैसा है आया, भूतेश्वर का बाम उधर जो बगीचा है उधर आए। और बाबा ने पूछा, हे क्या चाहिए, घूम क्यों रहा है? बोला हमको शांति चाहिए। शांति चाहिए, शांति मिलेगा? हाँ शांति मिलेगा, तो शांति तो इधर ही मिलेगा, ये मथुरा धाम है, शांति नहीं मिलेगा? शांति तो इधर ही मिलेगा। और तो हमारा साथ रह जा, क्या हुआ तेरा? कुछ बोल नहीं सकता, पागल है। और वो महाराज थोड़ा डॉक्टर ही जानते थे, पहले MBBS किया था, भूल गया था, तो उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करते करते उसको थोड़ा दिमाग को लाइन में लाया, इफ नॉट 100% नहीं लेकिन 75% लाया। तो उसको बोला एक काम कर, शांति इधर ही मिलेगा, तो एक काम कर हरिनाम कर। तो हरिनाम हम तेरे को दे रहा है, हरिनाम कर। और हरिनाम दे दिया, मंत्र भंत्र तो कुछ जानता ही नहीं। तो उसका बार उस ओ गुरु जी का जो गुरु जी माना वो सेवा करना शुरू कर दिया। और वो छोटे लाल बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारा बीबी का नाम, हमारा बीबी का नाम शांति। हम गुरु जी को पूछा कि हमको शांति मिले, गुरु जी बोला हाँ इधर ही तो शांति मिले। हम ये समझ के रह गया कि उधर शांति मिलेगा, हमारा शांति यह आया होगा शायद, लेकिन गुरु जी का माने था ये यही वास्तव शांति मिले। शांति तो मिले तो यही धाम पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? गुरु जी भी ठीक बोला, झूठा नहीं बोला। अब वो पूछ रहा है हमारा शांति कहाँ मिले, बोले यही मिलेगा शांति। वह ईसा करके उसका जिंदगी बन गया। अभी इतना बड़ा साधु है, चाहे तो प्रवचन नहीं कर सकता, चाहे तो कीर्तन टूटे फूटे कीर्तन करते, लेकिन हम उसको प्यार करते अंतर से। उसी ने एक दिन 84 कुछ करते करते जब आ गया था भूतेश्वर उधर, बोले महाराज आप आ गया, बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ? वह गुरु जी सपने में आया और बोला छोटे लाल मेरा जो इच्छा था राय रमानंद संवाद का जो टुकड़ा टुकड़ा लिख दिया डायरी, वो कुछ नहीं किया अभी तक, पर आप आए हो इसको संभालो। बोल के वो टूटा फूटा डायरी फायरी हमारे हाथ में, लाभ इस किताब को करो, गुरु जी का इच्छा था। हम बोले इतो पैसा लगे, हम तो फोक्कर साधु है, घूमते रहते कहाँ मिले। बोले गुरु जी रख के गया 8-9 हजार रुपया। हम 9 हजार रुपया तो किताब नहीं चपेगा, काम कर तेरा पास जो कुछ भी है बाकी हम धीरे धीरे प्रेस वाले को दे देंगे। विश्वास करता है प्रेस वाले ऐसा है कि 80 हजार 90 हजार कुछ भी हम किताब छपा के चले जाओ, कुछ नहीं चिंता, मुझे महाराज दे देंगे, ऐसा विचार है। ऐसा करके राय रामानंद संवाद जो किताब है वो कम पैसा में छपा था, लेकिन बड़ा जबरदस्त किताब। राय रामानंद संवाद जो किताब है वो पढ़ोगे तो पागल हो जाए, इतना सुंदर किताब। तो यह याद आया, ये जो बात उठाया इसलिए कि पूरा इसका जो विज्ञान है हमारा समझ में आ जाए। कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दही कविष्यते। अभी कृष्ण भक्ति का रस पान करते करते देहो शरीर, 5 भौतिक के जो शरीर, शरीर का साथ जो जोड़ा हुआ जो चीज है उसको दोहिक बोलता है। देहो और दोहिक रिलेटेड टू योर बॉडी, देहो दोहिक विस्तृत है। कृष्ण भक्ति रस ऐसा होता है जिसको पान करते करते जीवात्मा विह्वल हो जाता है, जैसे नाशा करते करते होश नहीं रहता। मदिरा मदांधो ऐसा लिखा हुआ है, मदिरा जब दारू पीते पीते कोई होश नहीं तो कपड़ा है कि नहीं, भक्ति का रस पान करते करते ऐसा हो जाता। उसका हमने आंखों का सामने देखा, सत्य गोविंद महाराज आदि आंखों का सामने देखा, जो संसार जो उसका सांप, एक सांप का शरीर पे जो चावड़ा रहता है ना वो उसको खोलोस बोलता है। सांप आपका बॉडी का जो ये है ना उसको छोड़ता है ना, साफ खोलोस बदलता है अपना शरीर का, लेकिन खोलोस बदलने में साफ का कोई कष्ट नहीं होता, कष्ट होता साफ खोलोस डाल देते। हमने देखा कुटिया में भजन कर रहा है गोकुल महावन में जंगल, वहां निकाला तो ऐसा ध्यान से देखे साफ नहीं, पूरा साफ को मार दिया, ऐसा है
एकदम पूरा पिछुआ दे के पूरा, मतलब वाह बहुत अच्छा चीज है, सबका माफी पूरा एकदम डिटो, हम उठा के रख दिया था झोपड़ में ऊपर में बहुत दिन था। तो जैसे आपका वो जो सांप का खोलस जो है उसको छोड़ने में सांप का कोई कष्ट नहीं होता, कष्ट होता नहीं, ऐसे ही परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज ने बहुत सारे उदाहरण दिए इसको विषय में। इस विषय में जाए तो बहुत समय लग जाए, कभी हम चर्चा करेंगे। अभी जो विषय है वो है जो कृष्ण भक्ति रस का पान करते करते क्या होता, हंसती रोदती रोती नित्यति लोक बाज्य, ऐसा होता ना, हंसती रोदती रोती लोक बाज्य नित्यति लोक बाज्य। हरि भक्ति ऐसा है जो आपका हृदय में वास्तव आ जाए और पागल जैसा हो जाओगे, नचना शुरू कर दोगे, कोई हुज नहीं रहेगा, कुछ हुज नहीं रहेगा, कभी अकेला घर में पागल के मारे हंसते रहोगे बोलते रहोगे, हाँ अकेला कोई नहीं है, साधु महात्मा का ऐसा होता है, अकेला घर में हंसता है, अकेला घर में देखता है, बहुत सारी चीज उसमें होता है। अब बाहर का आदमी सोचेगे महाराज का जो महात्मा का दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब नहीं, बामन गोस्वामी महाराज भी ऐसा करते थे, अकेला घर में कई बार कोई भक्त को देखा, हम गुरु हमारे गुरु जी को देखा, बामन जी महाराज को देखा, कोई किसी ने देखा बोले घर में अकेला पर आर कितना समय रहना पड़ेगा संसार में, और कोई उत्तर आया गुरु जी उसका गुरु जी कैसे कुछ और थोड़ा दिन रह जाओ कुछ काम है, अब कोई नहीं सुना, महाराज सुना, महाराज पूछ रहा है कितना दिन रहना पड़ेगा इधर, और कुछ देर तक रह जाओ और तू कड़ा काम है थोड़ा, लेकिन परम पूज्य केशव गोस्वामी बोल रहा है वो सुन रहा है, वो बोल रहा है वो सुन रहा है, किसी को पता नहीं, ऐसा आश्चर्य चीज है। तो सनातन गोस्वामी जो बताया ये सच्चा बात है, कृष्ण भक्ति सुधा पाना देहो दही को विश्रिते तेसाम पांचभौतिक देहो भी सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूप पांचभौतिक देह तो है, आपका पांचभौतिक देह क्या चेंज हो कि उल्टा पलटा हो गया, ऐसा नहीं, लोग सोचता है कि पांचभौतिक देह हमारा चेंज हो ना, पांचभौतिक देह देखने के लिए रहेगा, बाहर में पांचभौतिक देह जैसे है ऐसा इसका स्वरूप देह जो है उसका आविर्भाव होगा, चिन्मय चिन्मय भाव का आविर्भाव। परम पूज्य केशव गोस्वामी इस विषय में बहुत सारे हमको इच्छा हो रहा है बताने लेकिन समय नहीं, वैष्णवों का स्वरूप छोड़ना, वही तो स्वरूप छोड़ दिया हमारा हमारा सामने, परम केशव गोस्वामी सबका सुंदर विचार किया, हमारा मन में बहुत अच्छा लगा, यही विचार मेरा मन में है, महाराज जी इतना सुंदर स्पष्ट किया विषय को, पर बड़ा जबरदस्त विचार, इतना फाइन ट्यूशन है परम पूज्यवाद केशव गोस्वामी महाराज का, एक एक विचार को हम गले लगाते हैं, इतना आनंद लगता है कि पूछो मत, इतना सूक्ष्म विचार, प्रभुपाद तो बहुत प्यार करते थे, प्रभुपाद इतना प्यार करते थे जो कितना सुंदर विचार है, देखो केशव गोस्वामी महाराज के एक एक विचार को प्रभुपाद बहुत प्यार करते थे, बोला देखो कितना सूक्ष्म विचार है, बहुत अच्छा। जो भी है इधर कहने का मतलब है कृष्ण भक्ति रस पान करते करते आपका जो चिन्मय जो भाव आ जाए, आपका स्वरूप देह अनुभव होगा, उस समय जो है आपका शरीर का जो क्रियाक्रम है, प्रकृति आपका ऊपर जो इन्फ्लुएंस इतना दिन से देते आई है सारे स्टॉप हो जाएगा, सांखु योग का अनुभव हो जाए तो तब देखते रह जाओगे कि सांखु योग का प्रकृति पुरुष योग जो है जब अनुभव में आए तो आपको प्रकृति एक कुछ बिगड़ नहीं पाए, प्रकृति तो है, प्रकृति अपना सब कर रहे है लेकिन आप देखते रहोगे देखते रह जाओगे, लेकिन वो प्रकृति का जो क्रिया है प्रकृति के जो इन्फ्लुएंस है आपका ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, प्रकृति का सब क्रियाक्रम चल रहा है, आप नहाने के भी ले जाओगे कभी ए देहो रो क्रिया अभ्यास करीबो जीवन जापन लागी, भक्ति विनोद ठाकुर भी दूध पी रहे क्या करे, लेकिन चिन्मय शरीर हर वक्त सानंद सुखद कुंज में भक्ति विनोद ठाकुर का जो लाइफ है वो आप अगर धीरे धीरे सुनोगे गुरु वैष्णव का पागल हो जाओगे,
कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उसका बाद क्या हुआ, सब छोड़ दिया, छोड़ दिए, उसका बाद क्या हुआ, उसका बाद बानप्रस्थ ले लिया भगवती मैया भी और ठाकुर भक्ति में ठाकुर। उसके बाद फिर बेस ले लिया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से। बस इतना दिन तक जितना सारे प्रचार किया अंग्रेजी में, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रीच गौड़ीय फिलोसफी इन फ्रंट ऑफ दोस फॉरेन डिवोटीज। विदेशी फॉरेन डिवोटी का सामने वही पहला आदमी था भक्ति में ठाकुर, जो अंग्रेजी में गौड़ीय दर्शन को, चैतन्य महाप्रभु का जितना सारे सिद्धांत है, सारे सुंदर सुंदर व्रत, सारे फॉरेनर लोग सुनते रहते, इतना बड़ा बड़ा, बाप रे बाप, कितना उसका प्रताप। ब्रिटिश लोग है, एक एक सौ मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पूरा राज्यपाल है वो डिस्ट्रिक्ट, जो ये सब लोगों का उसका सामने बोलते थे महाराज, कितना प्रभावशाली। भक्तिविनोद ठाकुर कहाँ कहाँ वक्तृता दिया, बोलो साहित्य परिषद में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉल में, कहाँ नहीं दिया, बड़े बड़े जगह। रविंद्रनाथ ठाकुर का जो बारी है, जोरा सांकुर है, नजदीकी है मेरा था वहाँ, बड़ा सुंदर, वहाँ भी भक्तिविनोद ठाकुर प्रवचन देते थे, पागल होकर सुनते थे। जड़े विद्वत समाज, कितना सुंदर व्याख्या। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी जब एकदम अंतिम समय जो आ गया, उस समय में एकदम बूथ जो आंखें मूंद के रहते थे, सारा दिन आंखें मूंदे हैं, खुलता ही नहीं है। गौर गदाधर का प्रतिष्ठा किया और आरती का समय थोड़ा आंखें खोल के देख लेते आरती, उसका बाद सारा दिन आंखें बंद है। कोई अगर आया है तो सेवक ने बोला, सेवक जो कृष्णदास बाबा, वो कम उम्र में चला गया, बड़ा अच्छा सेवक बाबा, उसको धीरे धीरे ठाकुर का कमरे में आकर धीरे धीरे आस्ते आस्ते, ठाकुर विमला प्रसाद ने किसी को भेज दिया, थोड़ा दर्शन दोगे, धीरे धीरे बोलता है। ठाकुर तो अपना होश में नहीं है, तो नित्य जगत में धीरे धीरे बोलते बोलते ऐसे कर किया, धीरे धीरे स्पर्श किया ठाकुर, ऐसा करते करते आस्ते आस्ते आंखें खोला, ऐसा करके आंखों खोला नहीं जाता, मुझा कि चमड़ा है ना यहाँ जो, ये बूथ के रहता है, जब भी किसको देखे तो ऐसा करके दिखना पड़ता है, आंखें मूंद के ऐसा रहते थे, मुदते मुदते ऐसा ही हो गया। वो कोई आए तो बोले विमला प्रसाद किसी को भेजा, आप थोड़ा कृपा करोगे, देखो ऐसा करके खुले, खुल के जब उसका ऊपर दर्शन एक दृष्टि दे, बस उसका हो गया, बोला ठाकुर हमारा और देखा, वो दृष्टि का साथ साथ हमारा हम बेहोश हो गया, ऐसा दृष्टि हम देखा नहीं, जैसे कि हमारा अंदर से सब, हमारा अंदर में जो कुछ भी सब निकाल के बाहर रहा, ऑपरेशन कर दे लग रहा है, ऐसा करके हमारा वो देखा, फिर थोड़े देर के लिए देखा और फिर आंखें बंद कर दी, बस सारा दिन लीला शरण में, चौबीसों घंटा लीला शरण, गौरांग लीला और राधा गोविंद जी का लीला, हाँ हर वक्त वो लीला में डूबे रहते थे। इस उदाहरण के इसलिए बोला जे ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर जी को जोर जबरदस्ती सेवक आके थोड़ा पी लो बोल के दूध पिला देते थे, दिन में दो तीन बार दूध, और बोले मुश्किल से नहलाते थे, तिलक कर देते थे और चुपचाप बस होश माला। मेरे गुरु जी को भी देखा बेहोश पड़े हुए, माला चल रहा ऐसे ऐसे, नर्स बोले क्या, डॉक्टर बोले क्या हो रहा है, बोले इसका अभ्यास पड़ गया माला का, थी बाप रे बाप, 100 साल का उम्र है, 100 102 साल का बाद गुरु जी गए, और पूरा जिंदगी भी कोई बीमारी नहीं है, अंतिम में एक बहाना बना फिर चला गया। फॉर वो जो है, वो जो पुरुष पुरुषोत्तम धाम नीलाचल से लाया गया पूरा एम्बुलेंस करके, और लाके बेलव्यू नर्सिंग होम जो कलकत्ता में है, भगत सिंह पार्क जो है कलकत्ता में, मिंटो पार्क जिसको बोलते हो, वहाँ जो बेलव्यू नर्सिंग होम सबसे टॉप, उधर गुरुजी को दाखिल कराया गया, और दाखिल कराया गया, बड़ा बड़ा टॉप नर्स है, गुरुजी को ऐसा पकड़ के इधर
प्रेशर चेकअप कर रहे, सब कुछ कर रहे, और उसी में बेहोश है, उसमें अपना इधर हाथ दे रहा है ऐसा ऐसा। क्यों? बोले सारा जिंदगी भर कोई माता जी हमको स्पर्श नहीं किया, आज हमारा अंतिम समय में नर्स हमको स्पर्श कर रहा है। चिंता करो, इसी बेहोशी में वो ऐसा कर, हाँ क्योंकि नर्स पकड़ के उसको प्रेशर देख रहा है, सलाइन दे रहा है, कुछ तो कर रहा है, मेडिसिन दे रहा है। क्या गुरु जी का बंधन दशा है? कोई भी माता जी स्पर्श कर गुरु जी का क्या होने वाला, इतना शुद्ध है महापुरुष, लेकिन फिर भी जगतवासी को दिखाने के लिए ऐसा लीला कर रहे हैं। सारा जिंदगी भर हमको, हम सन्यासी हैं, हमको कोई स्पर्श नहीं किया, आज हमारा अंतिम समय में हमको स्पर्श कर रहा है। कितना सुंदर विचार, देखो अंतर में है चेतना। श्रील संतोष सिंह कोई किसी का रिस्पांस नहीं दे रहा, श्रील संतोष सिंह महाराज आए, आके गुरु जी का सामने गया, किसी को घुसने नहीं देता, लेकिन संतोष सिंह महाराज इतना बड़ा ऊंचा गुरु भाई है, जिसको लाया गुरु जी, घर से लाया था श्री संतोष सिंह महाराज, हमको लाया महाराज, और महाराज आके बोले, महाराज महाराज आमी अपना संतो एस्टी, संतो आया है आपका संतो महाराज, ऐसा जो तीन चार बार पांच बार बोला तो ऐसा करके देखा आंखें खुलकर, लेकिन बाहरी दृष्टि में कॉन्सियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, लेकिन चेतन जगत का जो रिलेशन है उसका पूरा है, चेतन रिलेशन है, चेतन जगत का साथ चेतन जगत का वस्तु भाव विनिमय कर सकता है। मेरा बात समझ में आया? चेतन जगत का जो वस्तु है, आप अगर चेतन अवस्था में पूर्ण चेतन चैतन्य को क्यों भजन कर रहे हो, चेतन आप आते कि नहीं, पूर्ण चेतन वस्तु जे अनंत ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में मूल जो पूर्ण चेतन वस्तु है उसका नाम ही है कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। वो चेतन वस्तु को अगर आप अनुभव करो तो आप भी उसी लेवल में जाओगे। तो चेतन वस्तुओं का साथ चेतन अवस्था में जो रहते हैं साधु संतो, या तो सालोग्राम ठाकुर जी नाम धाम, वो आप जड़ अवस्था में रहते हुए इसका साथ कैसे कंटेक्ट कर पाओगे, कंटेक्ट कर पाओगे, हाउ इज दैट पॉसिबल? जड़ अवस्था में रहते हुए अपराकृत नाम को स्पर्श करोगे, आपका जवान स्पर्श करेगा, कैसे करेगा बोलो, दिखाओ। अपराकृत अवस्था में गुरु जी है, आप जड़ अवस्था में कैसे सेवा करोगे, संभव है? फिर भी दिखाता है, बल्ले सेवा लेने का बहाना करता है, हाँ कर रहे, इच्छा कर रहे। अपराकृत जगत का साथ प्राकृत जगत का जो विनिमय है होना संभव नहीं। चेतन वस्तु का साथ, जैसे कभी कभी किसी किसी महात्मा ठाकुर जी का साथ डायरेक्ट बात करते हैं, हम गुरु जी को देखा है डायरेक्ट बात करते हैं, आपका साथ तो बात नहीं कर रहा है, कर रहा है बात नहीं कर रहा है, लेकिन गुरु जी के साथ मदन मोहन है, मदन मोहन है। एक दफे गुरु जी उसको सोने जाड़ा का मरसूम है, और जाड़ा का मरसूम में ठाकुर जी को ये जो लेप है लेप देना भूल गया, और बातों बातों में निकल आया, सोया ठुठुरा के बुखार आया ऐसा, और थोड़ा वो सोने का वो सपने में आया, क्या बात है हमको लेप नहीं दिया, हमको जाड़ा में ठंडा है ठंडी में कुछ दिया। गुरुजी उठा, इसीलिए मेरा ठंडा लग रहा है, ठाकुर जी का ठंडा लगे तो हमको ठंडा लगे, वो ठंडी का उठा, फिर शरीर को एक पवित्र की पवित्रता ऐसे ही है, वो लोग तो बहाना है करके मंदिर में गया, देख ठाकुर जी को लेप दे के क्षमा मांग के आया, क्षमा करो हमको, साक्षात देखा 98, जब गुरुजी का 98 इयर्स ओल्ड, बिहाला में, कलकत्ता बिहाला में एक गुरुजी का ही आश्रित बोलता है पागल है, वो क्या किया, वो आरती किया, उसको पता नहीं आरती का जो दीप है, दीप का सेल जो है कहाँ गिर गया, वो ख्याल किया नहीं, उसमें जितना सारे आपका गिरिराज का शिला था वो जलते रहा, हमने साक्षात देखा गुरुजी के सामने, गुरुजी तो जल रहा है, किस लिए जल रहा है हमारा इधर, हमारा जल रहा है किस लिए, ऐसा बोल रहा है। फिर 6:30-7 बजे हमारा ही गुरु भाई वो मठ से फोन किया, गुरुजी को शीघ्र ही बोलो
ये गिरिराज शिला को जला दिया वही ब्रह्मचारी ने, ख्याल नहीं किया प्रदीप जलते जलते ऐसा कोई धक्का लगा क्या हुआ, बस गिर के आसन के साथ जलना शुरू कर दिया। यहां बोलना हमारा जल रहा है, जल रहा है, तीन दिनों से खाया नहीं कुछ, रोते रहे खाया ही नहीं कुछ, तीन दिनों से रोते रहे हम खाएंगे नहीं, जा ले जा। जो गोपाल इतना प्यारा प्यारा है, जो गोपाल को यशोदा माँ इतना प्यार, यशोदा लालित उपादा असो ओ यशोदा मैया का प्यारा प्यारा गोपाल को गिरिराज को तैने जला दिया, बोलो क्या पाप ऐसा किया। तो देहो दही को विस्तृते देहो और देहो संबंधित वस्तु फीका पड़ जाता है, ये 100% भजन करो प्रैक्टिकल हम दिखा देंगे। कोई अगर हम कोई भी बात बोले, आप अगर आपका अंदर में डाउट हुआ तो हम आपको लेके जाएंगे, हम आपको बोलेंगे ये सब करो, आपको करना पड़ेगा, उसके बाद हम प्रमाण देंगे हम जो बोला है कि झूठा बोला है कि सच्चा बोला है, प्रैक्टिकल हम दिखा देंगे क्यों हमारा ऊपर गुस्सा हो रहा है, क्यों किस लिए अनर्थ है, इन लोगों का अंदर में अनर्थ है इसलिए मेरा ऊपर गुस्सा हो रहा है। और तो उसने बात ही नहीं, वो जानता है हम नुकसान नहीं करें, हमारा बताना हमको बताना उचित है तो बता दिया। तो ये जो पंचभौत पंचभौतिक देह ओपी पांचभौतिक देह ओपी सच्चिदानंद रूपता, अर्थात बाहरी दृष्टि में पांचभौतिक शरीर है लेकिन स्वरूप देहो का आविर्भाव होने के कारण चिन्मय देहो का आविर्भाव हुआ। बाहर में पंचभूत देख रहे वैष्णव का शरीर चिन्मय है, जड़बद्ध देह नहीं है, चाहे बीमार दिखाए कुछ भी दिखाए, ये तो सेवा का अधिकार देने के लिए ऐसा बहाना मानते। अब इसका एक उदाहरण है सुंदर, जे हम कैसे सोचे कि गुरु वैष्णव का शरीर चिन्मय है, हम तो देखते हमारा मापिक खाते रहते हमारा मापिक सोते रहते हैं, हमारा मापिक तो सब है, तो कैसे हम सोचे कि गुरु जी का जो चिन्मय है कैसे सोचे। इसका एक उदाहरण हम देते रहे, दिया बहुत पहले भी दिया वृंदावन में बाहरी पंजाब में, ये उदाहरण सुन लो। ये उदाहरण क्या है जे एक बड़ा बीड़ा, एक बड़ा अफिशार, बड़ा अफिशार अपना कमरे में बैठकर, ध्यान से सुनना, एक बड़ा अफिशार आदमी है, वो अपना ऑफिस में जब टिफिन टाइम है ना हाफ आधा घंटा के लिए, वो टिफिन टाइम में थोड़ा टिफिन करके बैठ के चिट्ठी लिख रहा है। तब के जमाने में हेलो बोलो ऐसा नहीं था, अब तो घुमाया हेलो बस बोल दिया, तब के जमाने खत था चिट्ठी, और जब चिट्ठी लिखने का आदत था इट वाज अ वेरी गुड हैबिट चिट्ठी लिखा। हमारा हमारा बचपन में ये जब परीक्षा देते तो आता चिट्ठी लिखने का हैबिट, इसका ऊपर लिखो चिट्ठी लिखने का जो हैबिट है, हमने भी ठाकुर जी की कृपा से बहुत चिट्ठी लिखा, एक एक वैष्णव को एक एक उसका अवस्था देख के, वो चिट्ठी कहाँ गया हमको पता नहीं, लेकिन वो अगर रहता तो आप पढ़ के हैरान हो जाते। हर चिट्ठी का अंदर ना तो कोई मटेरियल कुछ विषय है नहीं, तमाम चिट्ठी जोड़ के पूरा तमाम चिट्ठी में सुंदर तत्व विज्ञान उसका अंदर में परिस्फुट है। सारे जितना चिट्ठी लिखा भाई, एक एक चिट्ठी पढ़ोगे तो आपको ऐसा करके बाप रे, जो पढ़ा वो जानता। अब हम तो बोलने से आप विश्वास नहीं करोगे, क्या करें हम। बामन गोस्वामी महाराज का जो पुत्रा बोली है वो तो ठाकुर जी का, हमारा तो सब गया, कहाँ कहाँ किसको लिखा था सब, हम तो ऑर्डिनरी आदमी है। बामन गोस्वामी आचार्य जो है तो उसका सब पत्रावली रह गया, उसको गुम्फन हुआ, वो पत्रावली पढ़ के देखना, आप लोग शिष्य हो तो पत्रावली को पाठ करना, उसका अंदर में क्या क्या अजब अनुभव का बातें हैं, एक्सट्रीम अनुभव की बातें हैं। एक एक व्यक्ति को एक एक विषय पर उपदेश दे रहा है, प्रभुपाद का पत्रावली था, उसका बाद गुरुवर्ग का कई पत्रावली, ठाकुर जी का कृपा से हमसे भी लिखाया बहुत पत्र, लेकिन आजकल का जमाने में जो पत्र लिखना जो बंद हो गया, ये इतना डेंजरस हुआ। पत्रों लिखने का स्वाद स्वाद आपका अंदर के जो फिलोसॉफी है उसका रोटेशन होता है, चर्चा होता है। आप एक चिट्ठी लिखने बैठो आपको भावना पड़ने वाला, इस विषय को कैसे मजादार हम रिप्रेजेंट करते,
उसके लिए दर्शन का जरूरी है, और दर्शन का जो प्रैक्टिस है आपका अंदर में स्वतः हो जाता। तो पहले जमाने में ये सब जो था ये कोई फालतू चीज नहीं था, चिट्ठी लिखने का जो अभ्यास इसका अंदर कितना सारे दर्शन खोल जाते। इस विषय को लिखने के लिए बैठा चिंता करने, उसमें नया दर्शन आ जाए उस पर लिखा, प्रैक्टिस तो हो गया ना सुंदर। आज जमाने में नहीं, कुछ बातें बोलना हेलो बोल दिया, क्या हुआ। तो वो जो ऑफिसर है, ऑफिसर बैठ के पत्रों लिख रहा है, उसका एक दोस्त है उसी ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस उसका अंदर वो ऑफिस जो रूम का अंदर में घुसा, घुस के बोले मुखर्जी बाबू क्या कर रहे। बोले एक पत्र लिख रहा। किसको? बोले हमारा भाई को, छोटे भाई, छोटे भाई को खत लिख रहा। और लिखने के बाद और उसका ठिकाना डाल दिया, ठिकाना लिखना पड़ता है ना पत्र में, तब तो नहीं जाएगा। ठिकाना डाल दिया टू प्रदीप मुखर्जी, आलीपुर सेंट्रल जेल, कलकत्ता, कितना भूल गया अभी, बहुत दिन, ऐसा लिख दिया। अब बोले आप एक काम करो, आप तो बाहर जा रहे हो, ये पत्रों को थोड़ा पोस्ट ऑफिस में डाल दो। वो पत्रों को देखा, अरे आलीपुर सेंट्रल जेल में आपका भाई क्या आलीपुर का आलीपुर सेंट्रल जेल में रहते हैं, कैदी हैं? अरे राम राम, आप तो बोला नहीं इतना दिन से। तो ऑफिसर हंसते रह गए, हाँ आलीपुर सेंट्रल जेल में रहता है लेकिन कैदी नहीं है, उधर का जेलर है। आलीपुर सेंट्रल जेल में वो जेल को संभालने के रहना पड़ता है। तो ये जो गुरु वैष्णव जैसा है, ये संसार को संभालने के लिए, संसार में जितना सारे जीवात्मा है बद्ध जीव, सबको बचाने के लिए संसार में रहता है। और आप संसार में रहते हो बद्ध जीव, और दोनों का रहना क्या बराबर है? दोनों का रहना एक है। जेल का अंदर जो कैदी है उसको जेल का अंदर में रहना, और जेलर साहब जो है उसका जेल का अंदर में रहना, दोनों क्या एक चीज है? इस चीज नहीं है। ये उदाहरण को सदा याद रखना, गुरु वैष्णव को, गुरु वैष्णव का संसार में रहते हुए भी संसार कोई कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन बद्ध जीव का लिए संसार है। जुस्मत प्रसंग विमुखा यह संसारंती, इस जगत में वो लोग संसार में पड़ता है जो लोगों का अंतर में ठाकुर जी का लोग कोई भाव नहीं है, विमुख ठाकुर जी का विमुख है। अब इधर इतना सारे हम बता दिया, सुबह का टाइम में चर्चा किया इतना तक, आप शंकर जी का थोड़ा चर्चा हो जाए। भले इधर जो है सुबह में बताया था, मद भयात बाती बात वयम सूर्य स्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरते मद भयात, बोला ना मेरा ही डर से वायु जो है वायु खिलता है, और मेरा ही डर से सूर्य जो है सूर्य देव ताप देता है, इंद्रदेव जी वर्षा दे रहा है, अग्नि देव जो ताप दे रहा है, अग्नि है ना शरीर का अंदर में, अग्नि है शरीर का अंदर, अग्नि नहीं शरीर का अंदर में, अग्नि नहीं है तो आप मर जाओगे, अग्नि है सारे हजम कराने वाले जो तो है वैश्यान और अग्नि, भगवान बोलते वैश्यान और अग्नि का रूप पकड़ के हम शरीर जीवों का शरीर का अंदर में रहता, सारे हजम आदि जो सब कराते, इसमें हाथ देखो तो गर्म है, मर जाए तो ठंडा हो जाए, है ना। तो ब्राह्मणों में पहले ऐसा नियम था, शुद्ध वैष्णव ब्राह्मणों में जब भोजन करने बैठे तो क्या करता है, पानी लेकर पहले इधर उधर दे, उसके बाद आचमन करे खाने का, भोजन का पहले। आप तो भोजन दिया तो खाना सोए, वे भी कांटा चम्मच दे के टेबल में, वो भी मांस माछ सब खाना सो, वाह कितना बड़ा मॉडर्न आदमी है, करो खूब करो। तब का जमाने में नियम था, मैं देखा गुरु जी को प्रसाद प्रसाद पहने प्रसाद दिया गया, फिर यहाँ जल लेके पहले जल को इधर उधर दिया, उसके बाद एक पानी लेकर आचमन किया, आचमन करने का बाद वैश्यनाथ अग्नि ठाकुर जी को शरण किया, जो आपको आहुति दे रहा हूं, जो शुद्ध वैष्णव और ब्राह्मणों का जो भोजन है ये भोजन नहीं है, खाना नहीं है कि अच्छा बुरा दिया तो खा लिया है, उसका नियम है कि आहुति देना, प्राणों में
प्राणों में आहुति देना उपनिषद में है। वो स्वाहा बोल के जो आगुन में देते हो ना, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, ये बोलते हो, ये भी ऐसा ही है। ये जो भोजन है एक एक ग्रह के ग्रास ले और लेके मुंह का अंदर दे और अमृत चिंता कर रहा है प्रसाद को मुख के लिए। और नियम भी है उच्छिष्ट मुख से निकलकर पात में नहीं रख रहा। अगर शुद्ध ब्राह्मण समान वैष्णव समान कोई देखे आपको गाली देगा, शूद्र बोल के भगा देगा, भाग यहां से, भाजा भगा देगा। दक्षिण भारत में अभी भी है शुद्ध ब्राह्मण, यहां तक कि भोजन का टाइम में कोई उसको नाम लेकर पकड़ लिया, कोई उसको पकड़ा, कोई आकर नाम लेके, ऐसे पकड़ा नहीं, सिर्फ नाम देके वो भोजन कर रहा है। भोजन करने का समय में किसी ने उसको नाम लेके पकड़ लिया, नाम लेके बुला लिया, उसका नाम लिया, बस उसका भोजन बंद। दो गाल खाया है, खाने के बाद कोई अगर नाम लिया उसका तो उसका खाना हुआ बंद हो गया, भोजन बंद। प्रमाण चाहते हो? ऐसा संत अभी भी है, ऐसा संत अभी भी है, जिंदा है, उसका बाद बहुत प्यार करते हैं हमको, भारती महाराज जी। पूर्वाश्रम में वो भोजन करते करते किसी ने बुला लिया तो महाराज वो नाम का द्वारा हमको स्पर्श किया तो उधारी बंद है, खाना बंद हो गया, ऐसा टफ। तो कितना शुद्ध आचार आचरण होने से तब आपका अंदर में आग आएगा, स्पिरिचुअल फायर, तब दूसरे को आरुष लाइट दिखा सकोगे, दूसरे को पीपा कर सकोगे। कुछ नहीं है तो कैसे करोगे? आपका माल पानी नहीं है तो कैसे भिक्षा दोगे किसी को? ऐसा है। तो ये शंखो योग जो है इसका साथ साथ हम सृष्टि का थोड़ा रहस्य बताएंगे, बहुत सारे लंबा चौड़ा चीज। इस सांख्य तत्वों का बारे में बताना चाहे तो उसका पहले हम थोड़ा एक एक विषय को स्पष्ट करें। सांख्य तत्व चर्चा करने का पहले ये जो काल है, काल क्या चीज है, जीवों का अदृष्ट है काल, कर्मों जो है अदृष्ट जिसको, उसके बाद ईश्वर जीव समझा, माया, ये सब जो तमाम चीज है ये सब इसका अंदर में चर्चा है, समझा मेरा बात। जीव ईश्वर काल कर्म और माया, ये सब अलग अलग करके एक एक चीज, इस सब चीज को पहले हृदय से अनुभव करना पड़े। ये जो हम एक एक करके शब्द बताया, ये सब शब्दों को हृदय से अनुभव करना है। उसके साथ ये प्रकृति का स्वाद, प्रकृति का जितना सारे नियम चल रहा है, प्रकृति का जितना सारे आपका विषय है, प्रति प्रकृति का जितना सारे सत्र जो तमोगुण है, पांचो भौतिक जो विषय है, पांचो भौतिक खिति अपते सारे है, ये सब विषय का साथ मेरा क्या रिलेशन है। ऐसे भी दीक्षा देने का टाइम में नियम है, जो तत्वविद गुरु वैष्णव जब आपको दीक्षा दे, दीक्षा देने का मतलब ये है, जब आपको दीक्षा दे, दीक्षा देने का पहले सोचेगा कि दीक्षा लेने का लायक है कि नहीं, उसका दीक्षा लेने का टाइम हुआ कि नहीं। दीक्षा लेने का टाइम नहीं हुआ तो चैतन्य महापुरुष जैसे बताया ना रघुनाथ दास गोसाई की इच्छा करके, रघुनाथ तो नित्य जगत का है, पार्षद है, फिर भी रघुनाथ को बताया स्थिर होइया घरे जाओ ना हो बातुल क्रमे क्रमे पाए लोके भव सिंधु कुल, क्यों बताया महाराज? रघुनाथ तो चैतन्य महापुरुष का नित्य पार्षद है, रघुनाथ तो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। तो जब आया हमको रक्षा करो तो चैतन्य महाप्रभु ने क्यों उसको घर भेज दिया, जाओ घर में जाओ, स्थिर होइया घरे जाओ ना हो बातुल क्रमे क्रमे पाए लोके भव सिंधु कुल, धीरे धीरे मिलेगा, जाओ घर। क्यों? बोले चैतन्य महापो तो आशीर्वाद किए, आज चैतन्य महापो तो डायरेक्ट भगवान, हमने बोला साक्षात ठाकुर जी गुरु का काम नहीं करते, गुरु तत्व तो एक है वो बलराम के द्वारा, बलराम गुरु तत्व तो है, ठाकुर जी डायरेक्ट नहीं देते, कृष्ण राम महाप्रभु डायरेक्ट नहीं देते, नियम नहीं है, वो तो साक्षात परात्पर अखिलेश्वर स्वयं रूपी भगवान है, स्वयं रूपी भगवान जो है, स्वयं रूपी भगवान डायरेक्टली किसी को, लेकिन किसी के द्वारा कराते हैं गुरु तत्व के द्वारा, ये नियम है। संप्रदाय प्रवर्तन भी
गुरु वैष्णव के द्वारा ही कराते हैं, दायरे कराने से उल्टा हो नहीं करे, ठाकुर जी कुछ भी करे लेकिन कराते हैं। अब ये जो है जो काल है, कर्म है, अदृश्य जीवों का जीव, माया, ये सब जो है प्रकृति जितना है सब, ये सबों का धीरे धीरे विचार आया। एक बात ये है कि प्रकृति सृष्टि होने का बाद, ये तो 100% है प्रकृति सृष्टि होने का, प्रकृति जो, क्योंकि ठाकुर जी का पहले जो निश्चिष्ट होके ठाकुर जी बाहर में कोई लीला नहीं रचा, फिर सो गया जोगो निद्रा को आश्रय करके, है ना, हमने बहुत बताया ना चार पांच तीन चार दिन पहले, ठाकुर जी जब बाहर में जोगो निद्रा को अवलंबन करके सोए हुए हैं तो सृष्टि नहीं है कुछ, और सारे जीवों को अंदर में लेकर चुपचाप शयन के हो। एको अहम बहु श्याम, उपनिषद में है हम एक है बहु हुए बहुशिव, तब क्या होता है तो ठाकुर जी का सृष्टि रचाने का इच्छा होता है, और इच्छा रचाने का इच्छा हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे होता है ब्रह्मा आदि का उत्पत्ति, महत्तत्व आता है, महत्तत्व से सृष्टि प्रपंच कैसे आता है, ये सब विषय आता है। जो भी है पहले ये शंखचूक का थोड़ा बहुत चीज चर्चा कर दे, इधर है जो ये महत्तत्व विकार तत्व होके हम पहले ही बता था, महत्तत्व क्या है, महत्तत्व जो बताया ये महत्तत्व क्या चीज है, महत्तत्व क्या बल, महत्तत्व बोला इट्स ए बिग पॉसिबिलिटी, ए वास्ट पॉसिबिलिटी, सृष्टि का संभावना ये मान के चलो। महत्तत्व क्या है कोई पूछे तो इसको समझ लो कि ये परमात्मा के द्वारा, ठाकुर जी के द्वारा सृष्टि का एक पॉसिबिलिटी संभावना। अब ये जो है महाकाल के द्वारा, काल के द्वारा प्रेरित होके महाकाल, जब महाकाल के द्वारा जब प्रेरित होके जब वो महत्तत्व का थोड़ा ये हुआ संचालन शुरू हुआ, तब सतो रजो तमोगुण का बैलेंसिंग अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट, सतोतम सतोरजो तमोगुण का बैलेंसिंग अवस्था जब है तब सृष्टि नहीं है, कुछ नहीं है। जब सतोरजो तमोगुण का एजिटेशन हो जाता है तब वो, जैसे साइंटिस्ट नील्स बोर ने बताया कि बाहर से कोई एनर्जी अगर जाए तो जो उधर का जो इलेक्ट्रॉन है बाहर का एनर्जी लेने का कारण वो एजिटेटेड हो जाता, वो बाहरी ऑर्बिट में जंप करता है, बाहरी ऑर्बिट में, जो ऑर्बिट उसका खुद का ऑर्बिट था ये ऑर्बिट से जंप करके ऊंचा ऑर्बिट में चला गया, फिर ये एनर्जी सोर्स को अब हटा लो, हमने किया ना स्कूल में कॉलेज में रहते हुए, एक एक मेटल का अंदर से एक एक किस्म का लाइट स्पेक्ट्रा लाइट आना शुरू कर, सोडियम का एक आएगा, मैग्नीशियम का एक आएगा, एक एक मेटल का, एक एक जिंक का, एक एक मेटल का, एक एक किस्म का एक लाइटिंग आता है, तो वो जो अपना हायर ऑर्बिट में जंप किया वापस आने का टाइम में कुछ एनर्जी एमिट कर देता है, उसका ही कलर दिखाई पड़ता है। ऐसा करके ये जो सतोरज तमोगुण है जब बैलेंसिंग अवस्था में है तब तो कुछ नहीं, जब थोड़ा एजिटेट होना शुरू कर दिया ढेव आया माया ये है, इसके बाद क्या हुआ, महाविष्णु इक्खन के द्वारा सारे अदृष्ट लेके जितना सारे तमाम जीव राशि इन्फिनिटी सब जीव राशि महाविष्णु का अंदर, महाविष्णु जब आंखें खोला ऐसा करके और दृष्टि के द्वारा अनंत जीव राशि जो बीजो संचालित होता है गर्भों में ऐसा करके इजेक्टेड हो जाता है, जाके कहाँ गिरता भाई, ये महत्तत्व विकार हो कि जो जो ये प्रकृति है माया इसका अंदर में, वो कैसे प्रोसीड की किस प्रोसीड्योर में हो रहा है इसका ही थोड़ा चर्चा हुए तो थोड़ा समझ में, ज्यादा चर्चा करे तो समझ में नहीं आएगा, और भी सारे तमाम भागवत पढ़ा हुआ है हमारा चिंता चौथा स्कंद पंचम स्कंद षष्ठो सप्तम अष्टम बहुत सारे, अब इतना दिन में क्या होगा हमको बहुत चिंता आ रहा है हो नहीं पाएगा, तो ठाकुर जी कराए तो हो, तो ऐसा है भगवान कालों में अधिष्ठित हो जाता है,
उसमें गुणों का विभाग आविर्भाव होता सतरजतम गुण का, और जीवों का अदृष्ट जो महत्त्व का आविर्भाव हुआ, और इसके बाद सतरजतम गुण का जो सीमित जो समता है नष्ट हो गया, और इसके बाद ठाकुर जी का कृपा से महत्त्व मतलब जो सृष्टि का संभावना ये पैदा हुआ, पॉसिबिलिटी संभावना। रजो और रजोतम गुण जो है रजोगुण के द्वारा तमगुण के वर्धित होकर जो महत्त्व विकार प्राप्त हुआ, तब तो दुर्भ ज्ञान क्रिया शक्ति तम प्रधान बहुत सारे थी। उसके बाद अहंकार तत्व का आविर्भाव, सात्विक अहंकार सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, तीनों अहंकार, तीनों अहंकार के द्वारा पहला जो अहंकार है सात्विक अहंकार, उसके मन मन तत्व, ये नहीं कि तुम्हारा मन, पूटल मन बोल के जो चीज है ये आविर्भाव हुआ। मन और आधिकारिक देवता, इंद्रियों का अधिष्ठात्री जितना सारे देवता है उसका आविर्भाव हुआ। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ा, धीरे धीरे पहले सतगुण विकार प्राप्त होकर क्या हुआ, हमने बोला मन का उत्पत्ति, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंद्रियों का अधिष्ठात्री सारे देवता आया है, और रजोगुण का जो है रजोगुण जो है राजसिक गुण समूह से जितना सारे आपका जो इंद्रिय समूह पंच कर्म इंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो इंद्रिय समूह सब उत्पत्ति हुआ, और तामसिक अहंकार से आपका पंचभूत का आविर्भाव हुआ। राजसिक अहंकार से जितना सारे इंद्रियो है इंद्रियो पंच कर्म इंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो इत्यादि आविर्भाव हुआ। इसका बाद तमोरूपी जो अहंकार है इसका विकार प्राप्त हुआ, तो इसमें से क्या हुआ, भले ये विकार प्राप्त होके पंचो तन्मात्र जो है उसका जो पंचभूत जो है इसका आविर्भाव, ये भी बड़ा अद्भुत है। पहले जो है ये जो तमगुण का अहंकार है ये विकार प्राप्त होके आसमान आकाश हुआ, पहले आकाश हुआ बोम, आकाश होने का बाद आकाश का गुण है क्या, शब्दों, आकाश का गुण क्या है, आकाश का गुण है शब्दों, शब्द जब जाता है तो आकाश में ही जाता है ऐसा, और आकाश विकार प्राप्त होकर वायु सृष्टि हुआ, वायु ये भी प्रोसीड्योर है बहुत सुंदर, ये सब इतना जो विचार इधर प्रस्तुत दरकार नहीं, वायु हुआ। तो आकाश का गुण क्या है, आकाश का गुण है शब्दों, अब जब आकाश विकार प्राप्त होकर वायु हुआ है, वायु का अंदर वायु का क्या है, वायु का अंदर स्पर्श, वायु का अंदर स्पर्श गुण है, वायु का खुद का वायु जो उत्पत्ति हुआ, वायु का खुद का एक गुण है उसका नाम है स्पर्श गुण। तो वायु जो उत्पत्ति हुआ, वायु कहां से आया, अभी तो आप बोला आकाश से आया वायु, आकाश विकास प्राप्त होकर अभी बताया ना, तो आकाश का गुण अगर शब्द है और वायु का अंदर में था तो फिर कितना गुण रहेगा, क्योंकि आकाश विकार प्राप्त होके आकाश विकार प्राप्त होके वायु हुआ, तो वायु का अंदर स्वाभाविक रूप से दो गुण तो ऐसे ही है, एक है आकाश का गुण शब्दों और वायु का गुण तो स्पर्श है ही है, दोनों है। आकाशेर गुण जानो परो परो भूते, सुना ना पढ़ा ना, आकाशेर गुण जानो परो परो भूते, आकाश का जो गुण है, जैसे आकाश का गुण उसका पड़ पड़ जितना भूत आविर्भाव होते रहे सब में पहले वाला जो जो तत्व है उसका गुण इसमें इनहेरिट रहेगा। इसमें जो वायु का है, वायु विकार प्राप्त होके तेज तत्व आविर्भाव हुआ, तेज तत्व का एक गुण है वह है रूप, तेज तत्व का। तो ये तेज तत्व जो है खिति अपो तेज मरुद्भम बोलते हो ना, तेज तत्व
ये तमाम जो विषय है बड़ा गंभीर, तो तेज तत्व जो है, तेज तत्व का अंदर स्वाभाविक तो रूप तत्व है ही है, तेज तत्व मन रूप, तो तेज तत्व का अंदर स्वाभाविक रूप से पहले पहले भूतों का जो गुण है स्वाभाविक रहेगा, रहेगा ना, किसका गुण रहेगा, भले आकाश का गुण रहे शब्दों, वायु का गुण स्पर्श हो, अरे इसका तो खुद का गुण रूप है रहेगा। ये जो तेज तत्व तो ये विकार प्राप्त होके रस हुआ पानी, और पानी जब हुआ पानी के अंदर में रस है, रस खेती अपो तेज मरुद्भम, इसका अंदर में पहले पहले भूतों का जो क्वालिटीज है इसका अंदर में इनहेरेंट रहेगा, बोला था। तो पानी के अंदर में क्या क्या गुण है, भले ये जो आकाश का जो शब्द गुण, वायु का जो स्पर्श गुण, और जो तेज का जो रूप है वो रहेगा, टुगेदर विद दैट इसका साथ साथ क्या रहे, उसका साथ साथ रहेगा अपना जो रस है तारल्य है वो रहेगा। ये रसो तत्व तो आविर्भाव हुआ तो आपका जीवा में रस आता है, ये खाओ खट्टा खाओ मीठा खाओ, कहां से आया ऐसे आया। इसका बाद जो है ये जो जल है वो विकार प्राप्त होने का बाद मिट्टी तत्व तो आविर्भाव हुआ, मिट्टी तत्व तो। और मिट्टी तत्व तो का अंदर मिट्टी तत्व तो जो है, मिट्टी तत्व तो का खुद का जो गुणावली है उसका नाम है क्या, बोले गंध, गंध मिट्टी तत्व का। तो मिट्टी तत्व का अगर गंध अपना क्वालिटीज है तो पहले वाले जितना सारे शब्दों आप हम बताया, आकाश का गुण इसका अंदर जरूर रहे, वायु का गुण तो रहेगा ही, तेज का गुण रूप वो रहेगा, रस का गुण वो जो तारल्य वो रहेगा, उसका साथ साथ क्या होगा, गंध है उसका। तो विचार करके देखो, शब्दों स्पर्शो रूप रस गंधो है ना, ऐसा करके जब पंच तन्मात्रों और पंचभूत का आविर्भाव हुआ, इसको बोलता है ग्रॉस, इसको बोलता है मोटा सृष्टि का विभाग। अभी अब फाइन सृष्टि नहीं शुरू हुआ, तो मैटर आया, मैटर को मोल्ड करना पड़ेगा ना, मैटर आया, मैटर से क्या होगा, हमारा सामने मिट्टी रख दिया गया, पानी रख दिया गया, सब कुछ रख दिया गया, और एक डंडा भी है, लकड़ी भी है पकड़, लेकिन उसका वो मिट्टी से घाट कौन बनाए, घाट बनाने वाला तो कोई होगा, घाट बनाने वाला कुछ नहीं है तो कैसे करेगा, मिट्टी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, और चक्का भी है, और बीच में एक डंडा है तो वो भी है, उसको पकड़ने के लिए एक वो ये है, सब कुछ है, लेकिन वो सब रहने से भी क्या होगा, बनाने वाला कोई हो तब उसको मोल्ड कर सके। इतना तमाम देवता का आविर्भाव हुआ, कौन देवता बोला, सतगुण से बोला था ना, जितना सारा आधिकारिक देवता है सारे देवता का आविर्भाव हुआ रजोगुण के द्वारा। हमने बताया अभी जितना सारे आपका इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नसिका त्वचा ये जो नासा सब पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो स्टिल सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा है, सृष्टि का निर्माण हो रही है, क्यों, देवता लोग प्रार्थना कर रहे ठाकुर जी सृष्टि तो नहीं हो रहा है, आपने बोला सृष्टि करो, बोले सब तो दे दिया सृष्टि करो, बोले नहीं हमसे होता नहीं क्या करें। तो ठाकुर जी मुस्कुराया और सारे वस्तु का अंदर प्रविष्ट हो गया, अनुप्रविष्ट होके एक रिदिम लाया, रिदिम जानते हो एक ताल। ये दार्शनिक लोग जो भजन करते हैं बड़ा बड़ा जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी बड़ा बड़ा सब तमाम जो यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स इन्फिनिटी यूनिवर्स, इन्फिनिटी छोड़ दो आपका दिमाग तो चाहेगा ही नहीं, यही जो यूनिवर्स दिखाई पड़ता है जो आइंस्टाइन देख के घबरा गया, फिलोसोफर कैंट देख के घबरा गया, क्या दिख रहा है इतना चांस, कैंट जर्मन जर्मन वो दार्शनिक है, कैंट आसमान का आसमान पर नजर रखा तो घबरा गया, बोली कौन क्या है इतना सारे चांद सितारे, वो क्या हो रहा है इधर समझ में नहीं आ रहा। एक क्रिएटर मस्त विधि है, एक क्रिएटर है जो इस जगत को पूरा रिदिम चला रहा है, रिदिम है ना, जैसे आपका अभी ग्रीष्म गया, ग्रीष्म जाने के बाद अब शीत आएगा, ऐसा सर ऋतु ऋतु आता है, आपका अगर आंखों का ऊपर पर्दा गिर गया तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जो अंधा आदमी है
वो क्या देख सके, खाली खाली वो क्या क्या देख सके, क्या देख सके, फ्लेश एंड ब्लड, रक्त और मांस देखेगा चारों, जहां जहां नेत्र पड़े तहां रक्त मांस स्फुरे, आई एम सो फुल, जहां देखो वहां लड़की जा रही, वहां लड़का जा रहा, ये पूरा वो इतना मूर्ख है। और चैतन्य महापुर राय रमन संगत में महापुर बोला, जहां जहां नित्य पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, तुम्हारा ऐसा हालत, तुम्हारा तुम्हारा ऐसा ऐसा अवस्था है तुम्हारा, जो जहां जहां नित्य बता कृष्ण देखते हो, हमारा अंदर में कृष्ण देख लिया। महापुर छुप चालाकी कर रहा है, राय रमन सचमुच दिखाया, महापुर गौरांग बैठा हुआ है वो सन्यासी, राय रमानंद बात करते करते देखा अचानक ये गोरा शरीर जो है सामरा हो गया, अरी उसके बाद राधा रानी देखा ऊपर में आलिंगन करके, उसके बाद फिर झट से गौर हो गया। तो राय रमानंद प्रभु चालाकी मत करो, कौन है तुम बताओ, हम ये देखा, बोले ना तुम गलती देखा, तुम गलती देखा, तुम्हारा भजन इतना तगड़ा है कि भजन करते करते तुम्हारा दर्शन इतना पवित्र हो गया, जहां भी तुम्हारा नित्य पर हुआ कृष्ण देखते हो। नहीं चालाकी मत करो, बोलो तुम कौन है। फिर हंस के प्रभु वाला, किसी को बोलना नहीं, मैं ही हूं गौरांग, मैं ही हूं राधा गोविंद, हंस के बता, किसी को बोलना नहीं, कैसा चालाकी देखो, साक्षात पांचाली का राधा रानी पंचो इंद्रियों देकर हर वक्त कृष्णों का रस पान करते हैं, कृष्णों को इतना प्यार करते हैं। आप सोचते हो लड़का एक लड़की को, ऐसा नहीं, जब दसवें स्कंद शुरू हो तो उसी का ऊपर विचार चले कि बहुत दिन तो आपका खोपड़ी में जो विषय है वो थोड़ा सुधर कर सके, नहीं तो दो चार दिन का चर्चा में क्या, हमको तो संतुष्टि नहीं होता। काल ना परसों दिन जो चर्चा हुआ बहुत कष्ट हुआ, हो नहीं पाया, किस कारण जरूर होगा, किसी ने व्यास आसन स्पर्श किया होगा, कुछ होगा, कोई कारण बिना होता नहीं। पहले भी वो जो उधर जिस दिन किसी ने स्पर्श किया किस अवस्था में, बस उस दिन ही हमारा कष्ट होता है। बहुत बार पहले भी प्रवचन में है, फिर दूसरा दिन फर्स्ट चेंज किया, बस सब है ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि ठाकुर जी का कृपा है, हरि कथा हमारा नहीं है। तो ये जो है आपका, जहां जहां नित्य परे रक्त मांस स्फुरे, जहां जहां आंखें गिरता है वहीं रक्त मांस, इतना फुलिश है, बोका है। और विचार करके अगर समझने का कोशिश करो, गुरु वैष्णव का वास्तव अनुगत करो, नाटकबाजी मत करो, तो देखोगे क्या हो रहा है। बोले जब जड़ जगत का इतना बड़ा साइंटिस्ट लोग है, इतना बड़ा फिलोसोफर है, वो लोग समझ गया टोटल यूनिवर्स का एक सेंटर पॉइंट है ये प्रकृति का, प्रकृति में एक तो रिदिम है, देयर इज सम रिदिम, सारे दार्शनिक लोग बताया, बोला हमको लगता है एक रिदिम है, सारे ताल पे चल रहा है, ये वर्षा आया, ये शरत आया, ये शीत आया, हेमंत तो आया, इतना सर षड़ ऋतु चलते रहे, और षड़ ऋतु में हर हर ऋतु का अलग अलग फल है फूल है, ये कौन करा रहे है, कौन करा रहे है भाई, ये तो ताल है, एक तो इसमें अंदर रिदिम है, जैसे म्यूजिक चल रहा है, ठीक पकड़ा, यू आर राइट। ये अनंत ब्रह्मांड लेके भगवान वंशी ध्वनि कर रहा है, और वंशी ध्वनि का जो रिदिम है उसका तालो तालो में अनंत ब्रह्मांड चल रहा है, इसी को ही आगे चल के भजन करते करते उसको काम गायत्री देखोगे। वो जो गायत्री देवी है अपना शरीर को छोड़ के ब्रजमंडल में आविर्भाव, तो वो काम गायत्री हुआ, वही गायत्री किसी को पता नहीं, सुनता ही नहीं, वो काम गायत्री। वाह, ये जो अद्भुत विषय है, बड़ा आश्चर्य विषय है, जो यहां जो है वो जो साइंटिस्ट लोग भी सृष्टि का रहस्यों का विचार करते करते अंतिम में अमेरिका नासा से पूरा डायरेक्ट ये न्यूज आया कि 100% वैज्ञानिक लोग स्थिर हो गया। पहले बोला बिग बैंग से सृष्टि हुआ, बिग बैंग, हम तो सृष्टि तत्व चर्चा करने के लिए बैठे, ये कोई अप्रासंगिक नहीं होगा। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं बिग बैंग से हुआ, आसमान में एक मैटर है वो एजिटेटेड हुआ, बिग बैंग। तो हम लोग साइंटिस्ट लोगों को ये क्वेश्चन करता है, ये सामने आओ ना, कितना जगह है कि ये सामने आओ, इतना
कौन सी बड़ा बात है, छोटा मोटा जगह है। तो पहले साइंटिस्ट लोग बोलते थे बिग बैंग, तो हम लोग क्वेश्चन किया बिग बैंग जो है, बिग बैंग में क्या बोलना चाहते हो? बोले मैस इज एजिटेटेड और उसका बाद ये सृष्टि हुआ। हम बोला मैस इज एजिटेटेड, बट हाउ? एजिटेशन होने के लिए एनर्जी सप्लायर कौन है? वेयर फ्रॉम दैट एनर्जी केम? इसका उत्तर चाहिए। तो मैस एजिटेटेड हुआ ऐसा बोलने से कैसे होगा? मैस का जो एजिटेशन हो, जो एनर्जी एनर्जी आए तब तो एजिटेट हो। तो मैस जो एजिटेटेड हुआ, ये मैस कैसे एजिटेटेड हुआ? हु इज द सप्लायर ऑफ दैट एनर्जी? एनर्जी का सप्लायर कौन है? तो उत्तर दे नहीं पाए। अंतिम में आज साइंटिस्ट लोग विचार करके बताया, एक सुंदर एक तो ध्वनि साउंड, उससे विश्व सृष्टि हुआ। ये हमारा शास्त्र में पहले से बोला हुआ है, विश्व का सृष्टि हुआ एक लो माउंट ऑफ साउंड, एकदम निम्न कंपन का एक साउंड वाइब्रेशन, इससे भी चीज का सृष्टि हुआ। साइंटिस्ट लोग 100% बोला, पर हम प्रमाण तो नहीं कर सकते, लेकिन है 100% से धीरे धीरे हमारा विचार आ रहा है, तो सही बात है। यही बात तो आता है ना, ओंकार ध्वनि से ओंकार है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षरम ब्रह्म है ना, एकाक्षर ब्रह्म ओम, ये शब्द है। फिर ये गायत्री मंत्र है, एक ही वंशी ध्वनि। और साइंटिस्ट लोगों का पूरा विचार, हम गो माता का जो बुक किताब में ये बता दिया पूरा, गो माता का जो किताब है चेतना का जागरण, हिंदी बांग्ला अंग्रेजी हो रहा है अभी, उसमें पूरा विचार जितना सारे आदमी पढ़ा बोले हाँ महाराज ये ठीक, पूरा साइंटिस्ट लोगों का विचार दे के, शास्त्रों का विचार दे के, टैली करके पूरा प्रमाण करके देखो। तो ये अभी जो हम सृष्टि का बारे में चर्चा करने बैठे, अदृष्ट कर्मो आदि सब आयु है जीव, बताया ना, तो इतना सारे वस्तु दिया गया, सारे वस्तु आ गया, लेकिन सृष्टि का निर्माण हो नहीं रहा है, सृष्टि का निर्माण हो नहीं पा रहा है। तो ठाकुर जी बोले क्यों नहीं हो रहा है? बोले क्या जाने क्यों नहीं हो रहा, हमको उत्तर नहीं है, लेकिन हो नहीं रहा। ठाकुर जी हंसते हुए सब विषय में अनुप्रविष्ट हो गया। आफ्टर दैट ठाकुर जी क्या किया, एक तो रिदिम संचालित किया, एक ताल, एक ताल संचालित किया, उसके बाद म्यूजिक जैसे एक तालो तालो में गान होते रहता है म्यूजिक, सारे सृष्टि प्रपंच रचना शुरू है। देवता लोग ने स्तुति, जैसे उस उदाहरण दिया काल, काल उदाहरण दिया ना, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री का पूरा सेट सारे एकदम तैयारी, बस सृष्टि बस शुरू कर दो प्रोडक्शन, मार्केट माल में जाएगा, क्रेन भी है, सब कुछ है, पैकिंग का घर है, सब कुछ है, रॉ मटेरियल तैयारी हो जाए, रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन शुरू हो जाए, प्रोडक्शन के बाद पैकिंग हो जाए, उसके बाद सारे डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर भी है बैठा हुआ, फोरमैन भी है, सारे सब कुछ, स्टिल द फैक्ट्री इज नॉट वर्किंग, फैक्ट्री काम नहीं हो रहा। कोई अगर बोले मैंने क्यों काम नहीं हो रहा, काम तो होनी चाहिए, होनी तो चाहिए लेकिन हो नहीं रहा। एक वस्तु का अभाव के कारण, सिर्फ एक वस्तु का अभाव के कारण फैक्ट्री का क्रियाकर्म सारे बंद है। कौन सी वस्तु ऐसा है महाराज, हमको तो पता नहीं चलता। हम बोले क्यों? इसका नाम है कारेंट। सब रहे, अगर करंट ना रहे तो उसमें प्रोडक्शन के मशीनरी है, सब एडवांस मशीनरी, सब कुछ है, है किस काम का है बोलो, कोई काम का है? जब भी करंट आया तो प्रोडक्शन शुरू हो गया, फोरमैन सब लग गया वो काम पे, बस फटाफट सारे प्रोडक्शन मार्केट में गया, बिक्री हो सब हुआ, हुआ ना। जब ऐसे विचार आप रखोगे कि ठाकुर जी ये तमाम जगत का अंदर प्रविष्ट होके खुद कारक जो व्याकरण पड़ा है, जो आदमी जानता है उस सब जानता है, कौन क्यों किसके लिए किसके द्वारा सारे है ना, उत्तर है ना, कारक का कैसे निंग पढ़ा नहीं, अंग्रेजी में भी आता है, उसका पूरा उत्तर सारे निकालने जाओ, आप ढूंढने जाओ तो अल्टीमेटली यू कैन फाइंड कृष्ण इज देयर। कारक का जितना सारे केस एंडिंग है उसका एक एक का अंतिम उत्तर निकालने जाओ तो यू कैन फाइंड कृष्ण इज देयर। जैसे व्याकरण का
व्याख्या के लिए चैतन्य महापुर जब विवल होके बैठा निमाई, जब एकदम हो गया, अब निमाई का एग्जीबिशन शुरू हो गया। कौन सी एग्जीबिशन? निमाई का, निमाई चैतन्य महापुर जिस कारण ये धरती पर आए, जिस कारण उसका एग्जीबिशन शुरू हो गया ऑलरेडी सोची आंगन में, सोची माता का घर में रहते हुए तब शुरू हो गया। निमाई का, निमाई शुरू कर दिया एग्जीबिशन, फर्स्ट एग्जीबिशन। इसका बारे में कई चर्चा हम कर चुके। निमाई जब गया धाम से आए तो पागल हो गया, रोना रोना बस, और हाथ पर छोड़ना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, पागल का मापी भूमि में गिर जाए हैं, पागल का मापी, ऐसा क्या हो रहा है। इसका बारे में रघुनाथ दास गोस्वामी जो है सुंदर लिखा है, रघुनाथ गोस्वामी जी सुंदर चर्चा लिखा हुआ है गौरांगो स्तव कल्प तुरु में, कदाचित मिश्रावासे भुजपत सुतस्व उरविरहाद स्रतत्सिसंदित्तात अददत अधिक दैर्घ्यम भुजपतो। ये जो श्लोक है, का विकल विकलो कद कद वाचा लुठनो भूमौ है, ये जो गौरांगो का भूमि में, भूमि गोरी जाए, भूमि में लुटपुट हो रहा है, लुठनो भूमौ, जो गौरांग का रूप है, हृदय उदयत माम मोदयती, माम हमारा हृदय में वो रूप उदित हो जाए, का करते करते भूमि में गिर के एकदम क्या, वो कृष्ण प्रेम, ये जो कृष्ण प्रेम है, दैट वाज द फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ रूपानुगा भक्ति, जिसको आप रूपानुगा भक्ति बोले, ब्रजो प्रेम, ब्रजो प्रेम जो रूपानुगो भक्ति, तो फिल्टर के बाद में हम इसका विशेषण है, रूपानुगो भक्ति तो हम अभी बताएंगे, अभी बोलो ब्रजो प्रेम, यही ओपेंट्रा, क्योंकि ब्रजो प्रेम का अंदर सख्य प्रेम भी है, बहुत सारे हैं, तो हम ओपन टर्म दे दिए, रूपानुगो भक्ति में से गोपी प्रेम ही आएगा, तो उसको ओपन टर्म दे दिया कोई एक, तो ब्रजो प्रेम का दैट वॉज द फर्स्ट एग्जीबिशन स्टार्टेड, तब से शुरू हो गया। और जो छात्रों, हजारों हजारों जो छात्रों जो है निमाई का पास व्याकरण पढ़ने के लिए आते थे, और सब छात्रों लोग आया, गुरुजी पढ़ाना शुरू कर दो, हाँ हाँ पढ़ाएंगे चलो, और जब भी बैठे पढ़ाते पढ़ाते रोते रोते छात्रों लोग बोले क्या हुआ गुरुजी का, पहले कितना पढ़ाते थे सुंदर, अब कुछ पढ़ाने जाए तो रोना आ जाता है, रोते रोते सब पढ़ाना बंद हो। प्रभु जी टीका शुद्ध वृत्ति धातु जिसका व्याख्या करते व्याकरण में करते करते अंतिम में महाप्रभु उपमान का, देखो ये धातु का माने क्या है, ये देखो कृष्ण जो कुछ भी व्याख्या करे, धातु है प्रत्यय है, कोई भी व्याख्या करे, बाद में देखे देखो इसका नाम है, ये देखो पीछे कृष्ण है। अरे कितना हिम्मत है, देखो धातु है कुछ भी है, सब चर्चा करने बैठे, सबका पीछे महाप्रभु प्रमाण देते, किसी का हिम्मत है तो प्रमाण करे हम गलत बोला, किसी का हिम्मत ही नहीं है, सारे कृष्ण दिखा दिए, जो सारी चीज है तमाम चर्चा करने बैठा, बोले देखो ये सारी कृष्ण है, तमाम वस्तु में कृष्ण ही बैठा हुआ है, कृष्ण इज द फाइनल गोल, कृष्ण इज द अल्टीमेट गोल, एट द सेम टाइम कृष्ण इज एवरीवेयर, यू कैन नॉट डिस्कार्ड। तुम अगर हिम्मत करो, चिल्लाओ चिल्लो, तुम बोलो कृष्ण को हम फेंक देंगे, संभव नहीं है, बैठा हुआ है तुम्हारा अंदर, तुम्हारा अंदर में बैठा हुआ है, इसी बात को तो हम काल, अभी तो समय आज नहीं होगा शायद, सांख्य तत्व का जो सूक्ष्म व्याख्या हम खुलेंगे तब दिखाएंगे, दो पुरुष आपका अंदर में है, पुरुष हम तो स्त्री है नहीं, दो पुरुष है अंदर में, प्रकृति आप भी हो, प्रकृति ये भी है, प्रकृति है सब, ये तो पुरुष बन के बैठे हैं, पुरुष नहीं है, ये तो नाटकबाजी है, कर्मफल को भुगतने के लिए पुरुष बन के बैठा है, स्त्री है, गाधा है, गोड़ू, ये नहीं है, सब जीवों का नाम है पुरुष, क्योंकि पूर मतलब देहो, पूर मतलब देहो मंदिर, इसका मंदिर जो बैठा हुआ है जो जीवात्मा, उसका नाम है पुरुष, समझा मेरा वास, जो जीवात्मा शरीर का अंदर, शरीर में नौ द्वार है, नौ गेट है, विचार करके देखना, इस गेटों का अंदर ये जो मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर में जो बैठा हुआ है उसका नाम है जीवात्मा, परमात्मा तो है ही है, परमात्मा छोड़ के तो जीवात्मा रहता ही नहीं, परमात्मा को, जीवात्मा को छोड़ता ही नहीं परमात्मा, कहीं भी जाओ इन्फिनिटी पीरियड घूमते रहो,
जंतु जानवर जलजो पानी कुछ भी हो जाए, बट परमात्मा आपको छोड़ने वाला, वो साथ ही रहता है। आ दो पुरुष आपका अंदर बैठा, पुरुष का व्याख्या कर दिया, तो आप पुरुष, आपको अगर बोले आपका अंदर में पुरुष है, दो पुरुष, तो कौन सी दो पुरुष है हमारा? दो पुरुष, ये क्या बात है? पुरुष है, नारी नहीं है ना, दो पुरुष है। दो पुरुष कभी सुना ही नहीं, हम सुना नहीं अब, दो पुरुष है, एक पुरुष है परमात्मा, एक पुरुष है जीवात्मा, दो पुरुष है। दो पुरुष का कंसेप्शन है, ये परमात्मा जो है ये परम पुरुष है, ये दुनिया का, ये प्रपंच का कोई भी वस्तु ठाकुर जी का अट्रैक्शन नहीं कर सके। और शुद्ध गुरु वैष्णव जो है उसको भी दुनियादारी का जितना ही लुक्रेटिव चीज हो, लोभनीय चीज है, दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जो शुद्ध गुरु वैष्णव को अट्रैक्शन कर सके, लोभ दिखाए, लुभाया, इट्स नॉट पॉसिबल। गुरु वैष्णव उसका नाम है जिसको किसी भी हालत से आप उसको माया में गिरा नहीं सकोगे, नॉट संभव, संभव नहीं। वो किसी भी वस्तु व व्यक्ति किसी चीज का लिए उसका अंदर, यहां तक कि प्रतिष्ठा भी टाटी पेशाब का बराबर देखता है। अगर वैष्णवी प्रतिष्ठा है तो हाथ जोड़ के ले लिया, ले माला पड़ा आ जा, कितना माला पड़ा है, पड़ा, लेकिन हमारा कुछ भी करेगा ना, माला ठाकुर जी को पड़ा है, हमारा गुरु जी को पहना है, हम तो माला पहना नहीं, कहां माला पहना, अब देखा इतना बड़ा बड़ा माला पहना, माला पहना हमने, हमने नहीं पहना, हमने गलत देखा, हम सब गुरु जी को दे दिया। हम अगर एक माला आपसे पहन ले तो हमारा बंधन की कारण हो जाए, हम नहीं लेंगे कुछ कुछ चीज, सब गुरु सेवा में लगाओ, यही मेरा एडवाइस है। तो ये जो है दो पुरुष कहां से आया, एक है परमात्मा है, एक है जीवात्मा। जीवात्मा जो है उसको वो तो किसी सोरी छोड़ के रहेगा नहीं, जीवात्मा आसमान में घूमते रहे कितना टाइम के लिए, जीवात्मा ये शरीर छोड़ा और तुरंत कर्मफल भोगने के लिए दूसरा शरीर में घुस जाए, सब सेटिंग किया हुआ है, रुका हुआ नहीं कुछ, सब सृष्टि का जो पूरा चेन वाइज चल रहा है, एक रिदिम है, जैसे म्यूजिक चल रहा है सुंदर करके। तो ये जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा का जो भोगने का वासना है, इसका नाम है पुरुषाकार, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, ये जो अहंकार, यही इसका बारे में हम चर्चा करेंगे, सुंदर चर्चा। तो ये जो जीवात्मा है ये हर हालत में जड़ जगत का, ये प्रपंच का जो विषय है, इसका साथ लुटपुट हो सकता है। ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा टीनी शो, ये किसी भी हालत माया मोह में गिरने का एवरी पॉसिबिलिटीज दे है। लेकिन परमात्मा जो है ये इसको किसी भी हालत, क्योंकि वह परमात्मा है स्वयं ठाकुर जी, आपका जो क्रियाक्रम है अर्थात जीवात्मा का जो क्रियाक्रम, जो क्या कर रहा है, क्या धंधा है, इसको वाच कर रहे हैं, इसका वाच कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या चाहता है। और जब कृष्ण भोलकर जब लोभ में आ जाए भोगने के लिए तत्पर हो जाए, तो युष्मत प्रसंग विमुखा यह संसरंती, ये शब्दों का लाया फिर पहले उच्चारण किया था, अब यह मैथमेटिक्स मामी टैली कर दिया। देखो जब ठाकुर जी का धाम नाम रूप गुण इसके द्वारा अब आपका मान में लोभ आ जाए, आनंद आ जाए, तो आप चित धाम अथवा अपराकृत विषय में जाना शुरू कर दे, आपका जो गमन है शुरू हो रुके, क्योंकि संसार तो आपका स्वरूप में है नहीं। पहले भी हम स्टार्टिंग में व्याख्या किया, संसार जो मेटेरियल संसार इज नॉट देयर इन यू, तुम्हारा जो आत्मा है इसका अंदर में संसार बोल के कोई चीज है ही नहीं, ये तो तुम्हारा कर्म फल भोगने के लिए एक फील्ड है, ट्रीटमेंट के लिए आपको भेजा गया, आप कैदी है, आपको ट्रीटमेंट के लिए ये जीवात्मा को ये शरीर दिया गया, और सुख दुख को भोगने के लिए मोटा शरीर का जरूरत है ही है, बिना मोटा शरीर सुख दुख कैसे भोगोगे, इसीलिए ये शरीर दिया गया। और ये शरीर पकड़ने के बाद अगर सही शरीर मिला तो ये गुरु वैष्णव का संग हो गया, तो उसका बात क्या होगा, आपका नित्य धाम में जाना शुरू कर, जीव का
जीवों का जो लाइन है, जीव 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 शक्ति ततस्था शक्ति, एक लाइन एक डिम एक जो है, यहां पानी है, यहां लैंड है, लैंड और पानी, पानी आया इधर इधर पड़ गया, यहां से लैंड शुरू हुआ। तो पानी और लैंड दोनों का जो डिमार्केशन, पानी भी नहीं लैंड भी नहीं, ऐसा तो कोई जगह है कि कौन सी जगह है? बहुत ऐसा जगह है जो पानी और लैंड पूरा जुड़ा, ये जो लाइनिंग है इसी लाइन पे सारे जीवात्मा का स्थिति है। समझा मेरा बात? यह चीज जगत है, यह जड़ जगत है, ये मेटेरियल जगत है। मेटेरियल जगत का संसार सिंधु, संसार सिंधु तरण हृदय इत्यादि बताए, बताया ना, ते संसार सिंधु है, सुख दुख की सिंधु, और ये आनंद का आनंद, आनंद का सिंधु। ब्रह्मो का बारे में वेदांतों में बताया गया था, बताया ना, आनंदम ब्रह्मो। ब्रह्मो किसको बोलता है? बोले आनंदम ब्रह्मो। मायावादी लोग बोलते आनंदम ब्रह्मो, हम बोले आनंद क्या आसमान में घूमता है क्या? आनंद तो किस आधार में होना चाहिए है? आनंद कोई आधार में नहीं रहे तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा तब तो आनंद कर दे। आनंद बोल के कोई भूत है? आनंद कोई भूत है क्या, पेत है? आनंद नामक जो विषय है इसको देखने के लिए एक तो आधार तो चाहिए। आपका अंदर में आनंद है, आपका आनंद हम देख रहे हैं, बुरा आनंद में है तो आधार तो चाहिए। बिना आधार आनंद कैसे रह जाए? होता नहीं। तो मायावादी लोग को पूछे आनंदम ब्रह्मो, तो आप बोलते ब्रह्मो निराकार। अरे कैसे, तो आनंद कैसे आया? पर पल में, पल पल में हम लोग मायावादी सिद्धांत को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, फिर भी वो लोग का शर्म नहीं है, इतना बेशरम है। ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है, ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है, सच्चिदानंद रूपायो विश्वत्पत्ति हेतवे तपत्रय विनाशायो श्री कृष्णायो भूयम नमः इत्यादि देके शुरू किया, क्या ना आनंद नहीं है? आनंद है ही है भरपूर। आकाश बतास में देखो, जब यहां तक ही चंडी पाठ जो कर रहे हो वहां आकाश बतास में आनंद है, आनंदमयी मां बोला हुआ ना, वो आनंदमयी मां जो है वो आनंद कहां मिला? वो आनंदमयी मां कौन है? जोग माया। जड़ जगत का आदमी देख रहा है कि महामाया दुर्गा चंडी पाठ में है, आनंदमयी मां का आविर्भाव हुआ। ये चीज जगत का है, वो चिन्मय आनंद, आनंद जड़ो आनंद भी होता है, दो किस्म का, जड़ जगत में जड़ो आनंद और अपरागिक जगत में अपरागित आनंद। तो हमारा शास्त्रकारों ने बताया जे ये जड़ जगत का जो विषय है, जो कुछ भी देख रहा है कुछ है, ये जगत साबित करता है, प्रमाण करता है, जे ये जगत प्रमाण करता है वास्तव जगत बोल के एक है। समझा? ये जगत में जो प्रीति है, प्रेम है, जो जैसा है, ये प्रमाण करता है कि अपरागिक जगत बोल के एक चीज है। अपरागिक जगत अगर नहीं है तो कैसे इस जगत आया? अपरागिक जगत का हमारा दार्शनिक शास्त्रकारों ने विचार करके बताया, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। ये मेटेरियल वर्ल्ड जो है अपरागिक जगत का विकृत प्रतिफलन है। इसका बारे में दसवें स्कंध जो शुरू करे, एक एक करके हिसाब करके हम बताएंगे, आप घबरा जाओगे, तब सोचोगे भगवान का जो प्रीति है, भगवान का जो रास लीला है, वो की जड़ वस्तु नहीं है। ये सब पहले हम व्याख्या करेंगे, उसका बाद आप समझोगे कि नहीं, हम तो जड़ जगत का विषय सोचा कि यही दुर्गंध दूषित प्रेम है, प्रीति है, शरीर का संबंध है, नहीं कुछ नहीं है, सब बेकार। अभी जो है जो ये सब सृष्टि ब्रह्मांडो रचना के लिए ठाकुर जी इसका अंदर में प्रविष्ट होके सारे रिदिम, एक तो ताल दे दिया, एक म्यूजिक चलाए, उसके बाद सारे सृष्टि जो है आइसोलेटेड था। समझा नहीं मेरा बात? समझ में नहीं आया? सृष्टि का जो इंग्रेडिएंट, सृष्टि करने के जो मैटर का जो वस्तु का जरूरत है, तमाम वस्तु उपस्थित है लेकिन सृष्टि नहीं हो रहा, हो पा रहा है। किस लिए? बलाम्बला ठाकुर जी ने अंतिम में क्या किया, सृष्टि का अलग अलग वस्तु जो है आइसोलेटेड रूप में सब उपस्थित है लेकिन उसका अंदर में कोई हार्मोनाइज करने वाला नहीं है। समझा मेरा बात? सब है, खिति अवतेज मरुद सब कुछ है, बस सब कुछ है, है तो है, ठीक है,
लेकिन जब ठाकुर जी जब ताल लगाया अनुप्रविष्ट हुआ तो देखे महाराज सारे पंचभूत जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होके प्रपंच को निर्माण शुरू कर दिया। क्योंकि खित्ति अपोतेज मरुद बोम आइसोलेटेड रह जाए तो सृष्टि कौन काम, सृष्टि तो होगा नहीं, समझा मेरा बात। खित्ति अपोतेज मरुद अलग अलग रह जाए तो हमारा क्या फायदा है, वो सब मिलकर एक दूसरे से हार्मोनाइज होकर मिलकर ये सृष्टि जगत प्रपंचो उत्पन्नी उत्पन्न हुआ। कितना सुंदर विषय है बता। अब सृष्टि प्रपंचों का निर्माण हुआ और निर्माण का बाद सब देवता लोग अपना अपना ये जो महापुरुष है उसका कैसे आंखें खुला, जो जवान खुला, कान खुला, वो जो परमात्मा का, इसीलिए आपका भी कान खुल गया जन्म के बाद, सब कुछ नाके खुल गया, आंखों से देखते हो, कानों से, सब मूल जगह है, सब मूल जगह है। निर्विन्न तालु, निर्विन्न आंखें, ये जो भिन्न हो गया तब देखना शुरू कर दिया। फिर ऐसा करके सृष्टि प्रपंच का सारे निर्माण शुरू हुआ। और गीता में है मायाधक्षेना प्रकृति सुयति चराचरम, चराचर विश्व जो है हमारा प्रिंसिपलशिप, अंडर माय प्रिंसिपलशिप ये जगत प्रसव कर रहा है। ये जगत का क्या है, चैतन्य चरितामृत में ये जो प्रकृति है अजगल स्थान प्रतिकी, प्रकृति क्या करे, पुरुष इसका अंदर में प्रभाव डाला हुआ है। सुंदर उदाहरण दिया चैतन्य कृष्णदास कविराज, अग्नि शक्ति लौह जैसे करे जारण, समझा नहीं बात, जारण किसको बोलता है, कोई सुनता ही नहीं कुछ। जैसे ऐसा औषधि है जिसका अंदर लोहा गर्म करके उसका अंदर में डालना है, जारण मतलब लोहे का टुकड़ा को लाल कर दो आगुन से, फिर निकलो, फिर पानी या औषध व कुछ भी चीज है जिसको जारण बोलता है, जारण क्रिया उसको डालो, क्वेंचिंग बोलता है अंग्रेजी में, तेल का अंदर, पानी का अंदर वो गर्म करो, तो ये जो आपका पात्र है छोटा सा पात्र, हम लोहे को गर्म किया, गर्म करके लोहे को डंडा को उठाया, लोहे के डंडा को पानी में घुसाया, घुसाने के बाद उठा दिया, अब पानी के अंदर हाथ दो, अरे कितना गर्म, हम तो पानी को तो आग में नहीं लगाया था, पानी को ऊपर दिया, पानी लगाया था, पानी का पत्रों का नीचे आग दिया था, नहीं दिया था, लेकिन पानी कैसे करूंगा, अग्नि शक्ति लोह जैसे करे जारण, अग्नि का शक्ति के द्वारा लोहा जैसे जारण क्रिया में ताकत रखता है, ऐसा ही प्रकृति है। प्रकृति का खुद का कुछ नहीं है, प्रधान प्रकृति ये जो है, और पुरुष और प्रकृति के मिलन के द्वारा ये तमाम सृष्टि प्रपंच का निर्माण हुआ है। अगर पुरुष नहीं है तो प्रकृति कुछ नहीं कर पाए, प्रकृति है तो पुरुष नहीं तो कुछ नहीं हो पाए। दोनों का मिलन के द्वारा कैसे अद्भुत टेक्निक प्रपंचों का जो सृष्टि निर्माण चल रहा है, ये सब विषय में आप सुनते रहोगे, ध्यान देखे, लेकिन याद रखना बार बार ये सुजग नहीं आएगा, एक ही बार आया बाग, एक ही बार खत्म, बस एक ही बार आया और दोबारा नहीं आया, ठाकुर जी का इच्छा हो तो आ सकता। तो ये जो है हमने ताले निर्माण के लिए सृष्टि का निर्माण मोटा मोटी समझ में आया, तो मोटा मोटी स्थूल निर्माण हुआ। और महाधक्षिणा प्रकृति स्वयतरम स्वयते चराचरम, जितना सारे जीव राशि है, भगवान का जो दृष्टि है, दृष्टि के द्वारा अ बीम ऑफ लाइट इट सिम्स, ठाकुर जी का आंखों से जैसा लाइट जा रहा है, ये लाइट नहीं है, जितना सारे पूर्व कल्पों में जितना सारे जीवात्मा है सब गुणात आलोक बोध, हमने बताया था ना जीवात्मा का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताएगा, पहले बता दिया वेदांतों से, गुणात आलोक बोध लाइट पार्टिकल का मापिक, और कुछ व्याख्या नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये चिन्मय है ट्रांसेंडेंटल, कोई भी उदाहरण हम देने जाए इट इज नॉट एट ऑल सफिशियंट, कोई भी उदाहरण हम देने जाए हम मौका मूर्ख है, लेकिन उपाय भी नहीं है, कुछ तो उदाहरण देने पर कम से कम लोग आदमी समझे। तो इसलिए आत्मा कैसा है ना, गुणत आलोक भर, गुण का विचार करो लाइट पार्टिकल का मापिक, बस इतना ही कैसे, लेकिन लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट पार्टिकल लाइट तो मेटीरियल है,
इट सीम्स, लगता है ऐसा। तो ये जो जीवात्मा सब प्रकृति का गर्भ में संचारित हुआ, उसके बाद ठाकुर जी का इच्छा से प्रपंच निर्माण क्रिया शुरू हुआ। धीरे धीरे सारे जलचर स्थलचर इत्यादि पानी सब जो है धीरे धीरे निर्माण क्रिया ठाकुर जी कराया। और सांख्य तत्व का मूल विषय जो है किस 24 तत्व है, कोई कोई बताते कि 28 तत्व, इसका बारे में हम चर्चा करके आज बंद करेंगे क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है, वो टाइम हो गया। तो आप गिनती करना, हिसाब करना, काल आम सृष्टि और सांख्य तत्व का क्यों एक साथ चर्चा करेंगे बोल के क्यों रख दिया था, ये कारण है। एक साथ करने से समंग में आएगा, नहीं तो ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। सांख्य तत्व भी मोरल से की है, फिर भी तो ये आप गुण गिन लो हाथों में, पंचो कर्मेंद्रियो पंचो ज्ञानेंद्रियो कितना हुआ, 10 हुआ। उसके बाद पांचो भूत और पंचो तन्मात्र कितना हुआ, कितना हुआ, 20 हुआ। अच्छा, 20 का बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार कितना हुआ, 24। 24 का बाद काल कर्म जो है ईश्वर, इसको काउंट करो 28 तत्व आ जाए, आ गया ना। तो ये अभी हम काल से, काल काल से ना, तो समय तो नहीं है, हमको तो इच्छा लग रहा आज ही चौथा स्कंद शुरू करें, नहीं तो बेकार हो जाएगा, बहुत मुश्किल, समय नहीं है। कम से कम 5 घंटा 6 घंटा चर्चा चलते रहे तो थोड़ा बहुत चर्चा हो पाएगा, कम से कम। किसी किसी का हिम्मत ही नहीं है 6 घंटा बैठे, एनर्जी नहीं है उसका, आपात इसका अंदर में उसका प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा नहीं है। जो सद्वस्तु आया उसको ग्रहण करे, उसका लिए भी प्रेरणा का जरूरी है, नहीं प्रेरणा है तो। ताई तो आप गायत्री में प्रचोदयात क्यों बोल रहे, गायत्री में ये प्रचोदयात शब्द है, इसका माने है तुमको प्रेरणा दे, लेकिन 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 तुमको प्रेरणा नहीं दे रहा है, तुमने अपराध किया है, इसलिए ठाकुर जी तुमको प्रेरणा नहीं दिया है। सद्वस्तु में सद्भावना में भगवान इंस्पिरेशन तुमको नहीं दे रहा है, इसीलिए तुम अपराध किया है, बहुत इंस्पिरेशन नहीं आएगा। प्रचोदयात बोलता है ना, आपको तो नहीं दिया जाता है जो। तो ये जो है हमने प्रमाण किया, जो दो पुरुष है, एक परमात्मा परमेश्वर ठाकुर जी परमात्मा का रूप में, उसका दर्शन आपको कहां मिले, बोले खीरोद गोसाई विष्णु जो है अनिरुद्ध विष्णु, एकदम सुंदर, इतना सुंदर है पागल हो जाओ, देखने के बाद आप बाल को छीरना शुरू कर दे, टूटना, इतना सुंदर रूप है। खीरोद गोसाई अनिरुद्ध विष्णु असगर किसको कीपा करके हृदय में दर्शन दिया तो हो गया, अनुसज्जा में सोया हुआ है, कितना सुंदर रूप है, कितना आंख, जितना आंखें हैं उसका, हाथ पैर नाखून कितना सुंदर है, जहां आपका नजर नाखून पर नजर पड़े वही देखते रह जाओगे, आंखें नहीं हटेगा। ये सौंदर्य जो हम वर्णना करना हमारा संभव नहीं है। तो ये जो है आपका वर्णन किया, तो ये खीरोद गोसाई अनिरुद्ध विष्णु जो है, ये अनिरुद्ध विष्णु ही सारे जीवों का अंदर में परमात्मा का रूप में बैठे हुए, सारे जीवात्मा का अंदर में जो बैठा हुआ है वो कौन है, वो खीरोद गोसाई अनिरुद्ध विष्णु। और फिर काल हम चर्चा करेंगे, समय लेके आना, नहीं तो हम क्या करें। उसमें हम बताएंगे मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसा तत्व है, सूक्ष्म तत्व, ये जो शरीर जीवात्मा जो बोलता है उसका जो सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि चित्त अहंकार लेके सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार जो तीनों का फंक्शन है, एक ही अंतकरण, एक ही अंतकरण, एक ही अंतकरण का चार फंक्शन है, चार फंक्शन किस समय कैसे कैसे होते रहता है और जीवात्मा को कैसे बंधन में डालता है, ये सब तत्व सांख्य तत्व में हम हमारा विचार करने का इच्छा रहा। बाकी ठाकुर जी का इच्छा, हमारा तो इच्छा ऐसा है, लेकिन ठाकुर जी का इच्छा का साथ मेरा इच्छा मिल जाए तब तो काम हो सकता। ओम ना पितार्थ करना निशिनी सयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भगन निद्रा दैव हतार्थ रचना ऋषयो।